गुड इवनिंग एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू द ब्लैक होल दोस्तों आज हम अब्दुल्ला हुसैन के नावल उदास नस्लें का तजिया तफीम या लिट्रेरी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे आप जानते हैं कि यह नावल उन्नीस सौ तिरसठ में शाया हुआ और अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो उसी बरस इसको आदम जी लिट्रेरी अवार्ड का मुस्तक ठहराया गया बकोल मुसनफ़ अब्दुल्ला हुसैन के जब से यह नावल लिखा गया है हर आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से उदास और उदासता होती जा रही है और ये काफ़ी एक वो कहते हैं कि हर बड़ा अदब जो है या हर बड़ा आर्ट वो किसी अलमिया की कोख से जन्म लेता है तो ये जुमला जो है ये भी अपनी जगह पे इस नावल की थोड़ी सिग्निफिकेंस हमें बताते हैं वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आर स्पीकर्स मेरे दाएं जानेब तशरीफ़ तो फरमान डॉक्टर रविश नतीम आप उन्हें जानते हैं ही इज़ राइटर एजुकेटर लिटरेरी क्रिटिक और करीबन एक दर्जन किताबों के मुसनिफ़ है। हैं बाई जानब तशरीफ़ हैं डॉक्टर सनोबर उल्ताफ़ राइटर हैं पोइट हैं एजुकेटर हैं इनकी जदीद नसरी नजमों का मजमू कायनत के बैक यार्ड से आप ज़रूर पढ़िएगा उसकी यहाँ पर तकरीब रूनमाई भी हुई थी प्लीज़ अपने सेलफोन् जो है वो सैलेंट मोड में कर लें ताकि हम ये गुफ्तु जो है वह बाकायदा शुरू कर सकें वन द हाउस इज़ ओपन फॉर क्यू एंड डे आप भी गुफ्तु में शरीक हो सकते हैं अपने सवाल या तबसरे के साथ उसके लिए जस्ट रेज योर हैंड और माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद आप कुशाई कीजिएगा बस यही दो बातें नाउ प्लीज़ वेलकम डॉक्टर रविश नदीम एंड डॉक्टर सनोबर अलताफ़ थैंक यू बहुत शुक्रिया नर आज जैसे कि नैर ने बताया कि हमारा जो मौजू है वो अब्दुल्ल हुसैन का फाक नावल उदास नस्लें हैं इस सिलसिले में ये जो मुख्तफ हमारे अदबी नावल हैं या शायर हैं या नज़्म हैं उन पर पहले भी हम कई प्रोग्राम जो है वो कर चुके हैं इन प्रोग्राम्स की सीरीज़ का मकसद ये है कि अमूमन होता ये है कि हमारी जो नई नस्ल है या नए आने वाले जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अंग्रेज़ी अदब की तरफ या दूसरी ज़बानों की अदब की तरफ ज़्यादा मतवज होते हैं बजाय उर्दू के तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको ये बता सकें कि हमारा जो लिटरेचर है या उर्दू में जो लिटरेचर लिखा गया है जो अदब लिखा गया है उसमें भी बहुत से ऐसे पहलू हैं बहुत से मैदान ऐसे हैं जिनमें तारीख़ पर सियासत पर समाज पर बहुत अच्छी मबास जो हैं वो मौजूद हैं शायरी में भी मौजूद हैं नावल में भी मौजूद हैं तो अब्दुल्ल हुसैन जो हैं वो कई नावलों कई नावल लिखे हैं उन्होंने लेकिन उदास नस्लें उनका एक ऐसा नावल है जो शुरू से आखिर तक उनका उनकी पहचान रहा है जैसे हम अब्दुल्ला हुसैन कहते हैं तो हमारे जहन में उदास नस्लें का नाम आता है ख़ुद अब्दुल्ला हुसैन को भी इस बात पर शिकायत रही है कि उन्होंने उसके बाद कई नावल लिखे हैं लेकिन क्या वजह है कि उदास नस्लें जो है वो हमेशा ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना है तो आज हम इसी नावल पर डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी पहलू हैं कि आज तक ये नावल जीर बहस है और जैसे कि अभी नैर ने बताया कि नाइनटीन में ये शाया हुआ और आज हम 2024 में हैं तो जब आप उसका मुताल करेंगे या जब हमने उसको दोबारा देखा तो उसका कोई भी पहलू ऐसा नहीं था कि जिस पर हमें लगे कि आज पर बात नहीं हो सकती या वो आउटडेटेड हो चुका है ऐसे ही डॉक्टर साहब जी जी बिल्कुल आपने सही कहा और अगर हम वैसे भी उर्दू के जब भी हम तीन चार बड़े नावल निकालेंगे तो उदास से उसमें मुस्तकिल मौजूद रहेगा एक तो ये उसकी उसके बड़ेपन की और उसकी अजमत की कह लें या आप उसकी पॉपुलैरिटी की कह लें ये कलामत है आज के प्रोग्राम की जो तरतीब है उसमें हम कुछ बात अब्दुल्ला हुसैन पे करेंगे और फिर हम आएंगे उसके नावल की तरफ तो अब्दुल्ला हुसैन से शुरू करते हैं बात एक तो ये है कि जिन दिनों ये पिंडी में अपनी मुलाजमत के सिलसिले में रहते थे तो अब्दुल्ला हुसैन उन्नीस सौ इकतीस में यहाँ पर यही पिंडी में पैदा हुए और चौदह अच्छा, अगस्त को पैदा हुआ चौदह अगस्त चौदह अगस्त यस और इसका मतलब है कि जब पाकिस्तान बना तो उनकी उम्र क्या होनी चाहिए सत्रह सत्रह सोलह सत्रह साल सोलह सत्रह साल तो ये खुद बड़ा अहम है इस हवाले से क्योंकि इंसान का जो लाशऊर है वो तरतीब पा चुका होता है बड़ा मेचोर भी हो चुका होता है फिर इन इनके जो उसके बाद जो इनकी गुजरात गए हैं और गुजरात में आलमोस्ट 26 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी जो जब जितना इन्होंने गुजरात में आ, गुजरात में 16 साल इन्होंने क्याम किया क्योंकि जो वालिद की जो मुलाजमत थी वो ऐसी थी कि वो मुख्तलिफ शहरों में रहे हैं तो गुजरात में ज्यादा तवील अरसा उन्होंने गुजारा सोलह साल तकरीबन वहां पर रहे चार पाँच साल शुरू में पिंडी में रहे और फिर उसके बाद वो गुजरात में चले गए तो, हाँ, हाँ और नौ साल तक जो है वो उनको एक मौलवी साहब जो है वो घर में पढ़ाने आते थे मजहबी तालीम जो है वो नौ साल तक हासिल की और घर में हासिल की और इसमें अहम बात ये भी है क्योंकि वो अकलौते थे उनसे बड़ी कोई दो या तीन उनकी बहनें थी और ये एक ही उनके एक ही थे भाई उनका बेटा था तो वो इस हवाले से बड़े लाडले और उनकी पैदाइश जो है वो बड़ी अहम तस्वूर की जाती है एक और अहम बात यह है कि उनके वालद ने जो है वो पाँच शादियाँ की तो ये उनकी पाँचवीं बीवी से ही औलाद थी तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरे वालद ने इकट्ठे पाँच शादियाँ नहीं की बल्कि एक वक्त में उन्होंने एक अलग अलग वक्त में पाँच शादियाँ की और मेरी माँ के बाद किसी और से शादी नहीं की हालांकि इनकी जो वालदा हैं उनकी उनकी जो इनका इंतकाल भी जो है वो सिर्फ शायद बहुत कम उम्र में अब्दुल्ला हुसैन की कम उम्र में हो गया था तो लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आगे शादी नहीं की और आ, फिर ये है कि इसमें जो अहम बात है यानी हम इनकी जब सुहान डिस्कस कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को ही हम सामने रखेंगे जिसका इम्पेक्ट जो है वो या तो इनकी शख्सियत पे बहुत गहरा है या उनकी राइटिंग पे बहुत गहरा है तो गोया हम उनकी शख्सियत और उनका जो सुवानी पस मंज़र और उनकी राइटिंग का ट्राई एंगल बनाने की हम कोशिश करेंगे तो इसमें एक तो वाल साहब इनके क्योंकि इनकी वालदा जो है वो एक ऑपरेशन के उसमें फौत हो गई थी शायद अभी ये छः माह के थे हाँ। या छः साल के थे छः माह और फिर उस वालिद ने ही पाला और वालद इनके कोई सत्तर बहत्तर साल की उम्र में फौत हुए जब ये छब्बीस साल के थे तो गए छब्बीस साल ये वालद की रफ़ाकत में रहे और उसमें एक चीज़ जो अहम है कि इन्होंने कुछ ज़मीनें वगैरह खरीदी गुजरात में और वहाँ जरात करते रहे तो जरात का इम्पेक्ट और देहात का इम्पेक्ट ये बड़ा अहम है उनकी तहरीरों को समझने के लिए दूसरी बात ये है कि उनके वालिद जो हैं मुतााले के शौकीन थे और मेरा ख्याल टॉमस हार्डी को उन्होंने बहुत पढ़ा और इसी तरीक़े से आ, वो अंग्रेज़ी के या नहीं बहुत बहुत अच्छे रीटर थे और घर में हाँ। उनकी बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद हाँ। पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो वैसे तो भी पड़ेगी तो अब्दुल्लासैन कहते हैं कि मुझे चाय बेचने पर एतराज नहीं था लेकिन मुझे वो निगकर पहनने पर एतराज था तो फिर मैंने बहुत दिल जमई से जो है वो आगे अंग्रेजी को बकायदा पढ़ा रेलवे स्टेशन पे छोकरे चाहे बेचते हैं तो मेरा ख्याल है कि उससे वो सीरियस भी हुए क्योंकि उन्होंने जब जाके देखा तो उनको फिर अंदाजा हुआ कि उनकी लाइफ कितनी हार्ड है और इसके अलावा जो है वो अपनी वालदा की कमी को सारी उम्र महसूस करते रहे और उनकी चूंकि उन्होंने देखा ही नहीं था अपने होश में तो एक उदासी और माँ की मोहब्बत से महरूमी और औरतों के साथ एक जो एक एसोसिएशन होती है वो मुस, मुसलसल यानी एसोसिएशन नहीं रही तो ये चार पांच इम्पैक्ट है उनकी शख्सियत पे भी हाँ। होते हैं और घर से ला तल्लु की हाँ। वाला एक फैक्टर हाँ। जो है वो भी इसलिए है अच्छा ये बड़ी आम बात की आपने कि जब एक मैंने एक मेरा मुताल था जिसमें अब्दुल्ला हुसैन के नावलों में जो ख़ुत के किरदार हैं उन पर एक डिस्कशन थी तो उसमें देखा गया कि अब्दुल्ला हुसैन के नावलों में जो बाप और बेटे का ताल्लुक है वो बहुत जगह नुमाया है इवन के उदास नसले में भी जो है वो बाप और बेटे का किरदार नज़र आता है लेकिन माँ का और बेटे का ताल्लुक नज़र नहीं आता कहीं पर भी यानी एक आध कोई मंजर है सीन है जिसमें वो माँ जो है उनको खाना खिला रही है अदरवाइज़ उसका कहीं जिक्र नहीं है फिर उनके मद्दे मुकाबल जो हीरोइन है उनकी या जो निस्वानी किरदार हैं उनके साथ भी जैसे कि आपने कहा कि सरद मैरी का और ला लुकी का एक किरदार है यानी वो जो एक जज्बाती वस्तगी होती है अब्दुल्ला हुसैन ने अपने हीरो के ज़रिए से वो वो उसका इजहार भी नहीं कर सके ठीक है शायद ऐसा लगता है कि जैसे खुद वो उस अपने अंदर क्योंकि उसकी कमी थी तो वो अपने किरदार को बनाते हुए उसको उस तरह से पोर्ट्रेट नहीं कर सके कि जब हम आगे जब हम किरदार की आजाद करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे तो मज़ीद बात खुल जाएगी हाँ ये बात सही है कि एक मसलन उनके जो मर्द हैं वो अखड़ हैं मर्द का जो अखड़पन है वो औरत की और माँ की मोहब्बत में वो कूल होता है तो एक तो ये है औरतों के किरदार निस्वानी किरदार नहीं है अच्छा उनकी अगर औरतें आई भी हैं तो उनके अंदर मदरहुड नहीं है एक होता है ममता जिस तरह मंटोज पेश करता है हर औरत को वो उसके अंदर एक हाँ, मदरहुड वो, नहीं, वो नहीं है वो मोहब्बत का वो आंसर भी नहीं है जिसके लिए औरत को पैदा किया गया अच्छा हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब अब्दुल्ला हुसैन से इस नावल के बारे में पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि मैंने ये नावल जो है ये मोहब्बत की कहानी लिखी है ठीक है तो अब इस बात पर हर कोई चौंकता है क्योंकि इसमें मोहब्बत का आंसर या पहलू जो है वो मुझे लगता है सबसे कम रह गया है लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने दरअसल एक ऊंचे ख़ानदान की लड़की और एक निचले तबके के लड़के के साथ मोहब्बत की कहानी को उसवाल करने की कोशिश की है में ये है ना कि जब हम मोहब्बत कहते हैं तो हमारे दिन में सारी क्लासिकी गज़लें आ जाती हैं <laughs> वो इश्क हुसन मोहब्बत हिजर फ़राक <laughs> में बिल्कुल निचड़ी हुई होती है <laughs> और कहानियाँ जो रोमांटिक कहानियाँ हैं वो भी चाहे वो डाइजेस्ट की हों तीन औरतें तीन कहानियाँ हो, तो वो भी <laughs> तो वो शायद इस परस्पेक्टिव में देखते हैं <laughs> लेकिन इसमें जो प्रिवेलिंग है वो मोहब्बत ही है अज़रा और नईम के दरमियान जो आखिर तक चलती है और बहुत आकाज में इन दोनों

शायद दो तीन कहानियाँ उन्होंने लिखीं और भेजी, जो कि वापस भेज दी गई क्योंकि उसकूश का जो मुदीर है उन्होंने लिखा कि आपको अब बात कहने का सलीका नहीं है या आपको जिस तरह की बात उन्होंने कमेंट किया और कहानी वो छप नहीं सकी लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पहलू या ये खूबी थी कि वो समझते थे कि वो लिख सकते हैं या उनको लिखना चाहिए एक आर्टिस्टिक सा मेरा ख्याल है कि इस फैमिली के अंदर ना वैसे तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता एक रीडर के तौर के अलावा लेकिन रफ़ी पी थिएटर जो है वो फैमिली जो है जो इसमें उस्मान पी ज़्यादा वगैरह शामिल हैं तो उस फैमिली के साथ इसकी माँ के थ्रू ताल्लुक भी थे तो एक ये ब्रांच जो है ना इसको इस लिंक को नहीं भूलना चाहिए एक इसको जेनेटिकल इसके करते हुए अच्छा फिर इसमें जो और अहम बात है कि इन्होंने सबसे पहली नौकरी जेलम में फैक्ट्री, फैक्ट्री में, में की उसके बाद ये दाऊद खेल चले गए अब वो बड़ा स... सहराई सा इलाका है और खास और वहां पर वो रहे एज केमिस्ट और जाहिर है कि वो शहर से बहुत दूर फैक्ट्री है गुंजान इलाका है तो उसमें उसमें यह हुआ है कि इन्होंने नौकरी जो सात आठ घंटे करनी है और उसके बाद सात आठ घंटे सोना है तो करने के लिए कुछ नहीं था तो वहाँ उस यकसानियत और बोरियत से तंग आके इन्होंने लिखना शुरू किया एक तो मेरा ख्याल ये हमें समझना चाहिए और दूसरी बात यह है कि कोई और मुहर्रक लिखने का नहीं बन सका कोई बड़ी इंस्पिरेशन नहीं थी कोई बड़ा कोई फोर्स ऐसी नहीं थी जो अच्छा एक और पहलू भी है अब्दुल्ला हुसैन साहब ने नावल लिखने की इतदाद जो की है उदास नो वो 1956 में की है और ये वही साल है जब उनके वालिद वालिद का भी इंतकाल हुआ तो कहा जाता है कि वो एक डिप्रेशन का शिकार भी हुए तो शायद उससे छुटकारे के लिए या ख़ुद को मसरूफ रखने के लिए उन्होंने ये नावल लिखना शुरू कर दिया फिफ्टी तो सिक्स में उन्होंने नावल लिखना शुरू किया और सिक्सटी वन में ये मुकम्मल हुआ तो ये एक

और अपनी बीवी बच्चों को वहाँ बुला लिया और उसके बाद ये इनकी वाइफ की एक जॉब लिबिया में लगी तो लिबिया में दो तीन साल ये रह, रहे और उसके बाद ये वापस आए छत्तर में ये वापस आए जब जहाँ पर भुटो के इलेक्शन हो रहे थे और कौमी तहत उनके खिलाफ एक बना हुआ था लेकिन इनके जो दोस्त हैं हनीफ रामे वो इलेक्शन नहीं जीत सके और वहाँ की सूरत से वो ये फिर वापस चले गए उसके बाद ये मुश्किल वहीं रहे कभी कभार आते थे कि मेरी भी एक आध मुलाकात उनसे है फेस्टिवल्स पे और साथ अपनी मौत से कुछ ऐसा पहले आपके साथ भी एक रिलेशन उनका डेवलप हुआ फेसबुक पे तो कैंसर का बायस बने बनी इनकी मौत और बड़ी खामोशी के साथ ये दुनिया से सत हो गए तो ये तो इनका एक लाइफ का एक अहम चीज़ है बाकी उनकी जो अदबी खदमात हैं उसमें इन्होंने you नोवेल know, लिखा है उदास नस्ले और ये इसकी डेट आपने बताई ये छप्पन में लिखना शुरू किया हाँ। पाँच साल में मुकम्मल किया सिक्सटी हाँ। वन में ख़त्म हुआ 63 में शाया हुआ और 65 में उनको आदम जी अदबी इनाम मिला इस और इसी दौरान सिक्सटी टू फाइव के दरमियान इन्होंने Okay. कोई कहानियां लिखी अफसाने यानी जिसको बोलते हाँ. हैं और उसके बाद इनका जो है जब ये लिबिया में थे तो वहां पर इन्होंने भाग भाग लिखा भाग लिखा। और अभी छपा नहीं लेकिन लिखा वहां पे हाँ. लेकिन वापस आकर इन्होंने दो नावलेट हाँ. जिसमे भी शामिल है और एक और वापसी का सफर वापसी का सफर है और वो तीन कहानियां दो प्लस कहानियां पांच कहानियां शामिल है

पार्टीशन के बाद तकसीम के बाद जो सूरत हाल है उस पर अच्छा फिर वो ये एक एक तीन हिस्सों की एक ट्राइलॉजी बनाना चाहते थे तो उस हवाले से तीसरे नावल पर वो काम कर रहे थे लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो तीसरे हिस्से का नाम उन्होंने रखा था आज़ाद लोग तो उनके ख्याल में ये जो लोग हैं ये किसी भी कानून किसी भी जबते से आज़ाद हैं तो वो शाया नहीं हो सका ज़ाहिर उनका इंतकाल हो गया तो नादार लोग उसके बाद एक अफसाने की किताब छपी उनकी जिसका नाम था फरेब इसमें कोई दस बारह उनकी कहानियाँ हैं फिर उसके बाद उन्होंने उदास नस्लें का खुद तर्जमा किया अंग्रेजी में वेरी के नाम से, वो छप चुका है। फिर एक और ये जो वापसी का सवर उनका नॉवलेट है इसका अंग्रेजी में तर्जमा जो है वो छप चुका है फिर नहीं, तर्जमा नहीं बल्कि उसको किया है हाँ, फिर एक वो नॉवल लिख रहे थे फिर इसके बाद एक उनका नावल अभी जेर तबाह था दी अफ़ग़ान गर्ल जो कि अफगानिस्तान के पस मंज़र में था लेकिन वो भी शाया नहीं हो सका अच्छा फिर ये हुआ कि इनकी ये जो वापसी का सफ़र है बीबीसी ने इस पर एक फ़ीचर फिल्म बनाई जिस जिसको यूनान में जब वो मुनदद की गया तो उसको अवॉर्ड भी मिला फिर नशेब पर मिर्ज़ा अतर बेग जो हमारे बड़े मशहूर नावल नगार हैं उन्होंने उसकी ड्रामाई तश्ील की वो भी शाया हुआ तो उनके नावलों पर इस तरह के काम जो है अच्छा ये जो है ना क्या कहते हैं उदास नस्लें और नादार लोग और आजाद लोग, लोग। अब इसको समझना जरूरी है कि उदास नस्लें वो है जो नौबादियाती में नौबादियात के खिलाफ जद्दोजहद के नतीजे में और नौवादियाती जुल सहते हुए जो जनरेशन बड़ी हुई वो उदास है।, है नदार लोग वो हैं जो पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान बनने के बाद, बाद से लेकर और आलमोस्ट भुट्टो के दौर तक जो है वो उदासी से नदारी की तरफ गए हैं उदासी एक कैफियत है और नदारी जो है एक सूर्त हाल है हाँ, सूरत हाल है एक तो ये है अच्छा वो जो जिधर आपने इशारा किया कि अब वो लिख रहे थे वो कितना मुकम्मल हो गया अब उसका अंदाज़ा तो नहीं है आज़ाद लोग अच्छा नाम बजहिर इसका यही है कि शायद वो वो उदास और नादार लोग जो हैं वो अब अपने कोई ऐसी सूरत हाल में चले गए हैं कि जहाँ अपने मिसाइल से निकल गए लेकिन उनका कहना ये था कि ये उदास जो बाद में नादार लोग बनी हैं ये नादार लोग अब वो ऐसी स्टेज पे चले गए हैं जो ना किसी कानून को मानते हैं ना किसी इखलाक को मानते हैं ना किसी जब्ते को मानते हैं ये ये मुनजम भी नहीं हो सकते ये काबू भी नहीं आ सकते ये हर चीज़ से आज़ाद हो चुके हैं तो आजाद से मुराज राइट और मादर पिदर आज़ाद अच्छा उसके बाद कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है इशारा हमें इशारे समझ जानी चाहिए वो इनके कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या हैं वो भी इनके बहुत सारे उसमें गए हैं तो आप ज़रा बताएं कौन से कम इनके बनते हैं आ, अच्छा एक तो यही है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि वालदा का ना होना और उसके उसके दुख में रहे बल्कि एक जगह पे उन्होंने लिखा कि अगर मुझे ये दुख ना होता तो शायद मैं आज ये तख्लीकार ना होता या जो मैं बन गया हूँ मैं वो ना बनता तो मेरे हाल में ये एक बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का और उनकी तहरीरों में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें वो अपनी वालदा का जो कि जो कमी का जो एहसास है वाल भी इस से हाँ वालद से इंतकाल के बाद उसकी उनकी दूरी के हवाले से फिर वो जो साथ क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी बहनों ने पाला है या मेरे वालद ने पाला है तो ज़ाहिर है वो एक बहुत ही एक गहरा रिश्ता उनके साथ वाबस्ता हो गया था तो वो भी हमेशा शायद उनके साथ साथ चलता रहा है हाँ, वो कहते हैं हाँ, वाले है, वो बहुत गहरा रहा और उनकी मौत के बाद भी उनके साथ ना होने की वजह हाँ से उनके यहाँ जो लाता है घर से तो वो भी है हमें अच्छा वो घर वतन की सूरत में हो तो ये उन्होंने हिजरत काटी है बहुत तवील तो यू कहते हैं जनरेशन वाला जो जर्नीस जर्नीस जी तो वो भी इशारा करता है माइग्रेशन का भी फिर ये वतन से दूरी इनके यहाँ बहुत रही है इनके किरदार भी फिर उसी दुख को अच्छा सहते एक हैं और बात ही बढ़िया है मैं अगर आप उनके करियर मुलाजमत के हवाले से देखें तो वो किसी भी एक मुलाजमत में रुके नहीं है बदलते रहे हैं

में रहते थे तो साइकिलों मैकलो पे ये रेलवे स्टेशन गया बन्नू में तो उस वक्त कबाइली वहाँ ठहरे हुए थे जो कश्मीर जा रहे थे तो कबाइलियों का जो पहला हमला जो कश्मीर पे हुआ तो वो वहाँ से गुजर रहे थे लेकिन स्टे उन्होंने बन्नू में किया हुआ था तो वहीं से सिखों और हिंदुओं की एक ट्रेन जो है वहाँ से गुजरना थी जो हिंदू और सिख महाजरीन को लेके जा रही थी ट्रेन वहां पे रोकी गई और वहां पर कत्लोकार की गई उन फेवरेट टीचर थे जो के टीचर थे हमारे और वो गाते भी बड़े अच्छा थे मेरे लिए मिसाली थे तो मैंने उनको भी देखा कि वो वो कैंची से एक बंदे का गला और पेट फाड़ते हुए और बाद में उसकी जेब से कुछ क्या कहते सोना और पैसे निकाल के भागते हुए तो ये इम्पेक्ट भी उनके यहाँ है जो फसादात की सूरत में और ये इस हवाले से निकलता है और फिर इसके अलावा और उनके कम्प्लेक्सिस में बेजारी वाला अमल तो आप बता ही चुके हैं लातलगी वाला भी बता चुके हैं और मेरा ख्याल है कि एक इनका स्टेट फारवर्ड होना पड़ा है मेरा ख्याल है क्योंकि ये हमारी जो अमूमी अखलाकियात है उसमें कहीं फिट नहीं आते थे और जो बात है टू द पॉइंट और स्ट्रेट फारवर्ड कहते थे तो वो इनका रवैया जो है वो लिटरेचर के अंदर एक रियलिज़म की सूरत में जाहिर हुआ है इसको भी मेरा ख्याल देखना चाहिए कि वो कहीं पर भी कोई ज़ुबान के ज़रिए से कोई तह नहीं लगाते मोरालिटी के एक जो ख़ास शकल होती है उसको वजह नहीं करते और वो जो बात है एज इट इज़ वो करते चले जाते बल्कि अपने दोस्तों को भी जब वो कहते थे कि मैं गाजी जावेद को जब वो इंटरव्यू लेने आ रहे हैं तो उनको कह दिया कि टाइम देने के बावजूद के मेरे मेहमान हुए आप ना आए आप दो घंटे के बाद आ अच्छा इस हवाले से ना एक बड़ी अम एक बात है कि उन पर एतराज़ भी यही हुआ है आगे हम मज़ीदान पर भी बात करेंगे उनकी ज़बान के हवाले से कि कहा जाता है कि बहुत सादा ज़बान है बहुत स्ट्रेट फॉर्वर्ड ज़बान है और ऐसी ज़बान है जो उर्दू पढ़ने वाले जो हैं वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते जो खासतौर पर जो क्लासिकी जबान को का ज़्यादा फैम रखते हैं तो एक कोई ऑक्सफोर्ड या कोई और फेस्टिवल था तो उसमें नावल की एक तकरीब थी और उनकी सदारत कर रहे थे अब्दुल्लु हुसैन तो वहाँ किसी ने गुफ्तु करते हुए खा के कहा कि जो आज नावल नौ, लिखे जा रहे हैं उनकी ज़बान अच्छी नहीं है उसमें गालियाँ होती हैं और लो जो अच्छे उर्दू ज़बान पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते इस तरह से शरीफ लोग नहीं पढ़ सकते इस तरह की कोई बात उन्होंने की तो जब ख़ुदबा सजारत हुआ तो अब्दुल्ला हुसैन ने कहा कि यहाँ पर यह बात हुई है तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अदब जो है वो शरीफ लोगों के पढ़ने वाली चीज नहीं है तो अगर आप शरीफ चीजें पढ़ने चाहते हैं तो आप कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें वो वो कहना चाहते थे कि आपका जो आपके जो आपके हैं वो फिर कुछ और होने चाहिए अगर आप इस तरह की चीजें पढ़ने चाहते हाँ। हैं अच्छा अब उदास से की तरफ अगर आए तो उसमें यह है कि उसके पसमंजर में नॉवल लिखने के पसमंजर में उसके वालद की जो अंग्रेजी नॉवल की रीडिंग है थॉमस हार्डी का ल आता है साथ एक और वाक्य है मैं कि कहते हमारे एक टीचर थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायद थे तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये दस नामों की लिस्ट है आप इनमें से कोई से तीन पढ़ ले अगर आपने वो पढ़ लिए और मुझे आपने आपने प्रूफ कर दिया तो मैं आपको पास कर दूंगा तो अब ये भी एक वाक्य बड़ा है उनके हवाले से और फिर इसके अलावा जो है वो जो दाऊद खेल की खास फिजा है जिसमें है है। है। हुँ। हुँ। वहां उन्होंने लिखना शुरू किया ये है मैं तो उसके बारे में कुछ हम उसका तारुफ करवा देते हैं कि उसके चार हिस्से हैं नावल के चार उसको अबाब में तकसीम किया गया ये इसलिए बता देते हैं कि जैसे हम उनके अब्वाब बताएंगे तो कहानी जो है जिस तरह से वो डेवलप की गई है वो समझ में आ जाएगी जो पहला हिस्सा है वो ब्रिटिश इंडिया के हवाले से है दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान पर है तीसरा हिस्सा बंटवारे पर है मैं सर पहले अगर ये बता दी लिखा कैसे किया हाँ अच्छा सर मुझे यूं लगता है कि इसकी ये बात दिलचस्प है कि जब इन्होंने नावल लिख लिया और ये लेके उठा के वो मुसब्दा ले आए उन दिनों चौधरी नजीर का न्याय लाहौर में था न्याय तो दारा न्याय दारा पब्लिक पब्लिशिंग हाउस था ना थी, थी, तो वहाँ ले आए कि ये नावल मैंने लिखा है तो आप उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी जिसमें हनीफ रामे और सलीमान और सलाउद्दीन महमूद शायद तो उन तीनों को कहा ये नावल पढ़ लें उन्होंने नावल पढ़ा तो वो तो परेशान हो गए कि इतना शानदार नावल है इम्प्रेस हुए तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको छाप देंगे तो फिर ये है कि इत, इतना बिल्कुल नया जो है नावल लिए लिए। लिए हमें हमें पता नहीं चलेगा ना क्या किया जाए लोगों को पता नहीं होगा तो आप पहले कुछ अफसाने लिखे वो हम छापेंगे उन दिनों भी सवेरा जो है रहमान साहब अब भी निकल रहा है तो वो निकलता था तो इन्होंने फिर आ, ये ये तजवीज पेश की गई ठीक हो गया इसमें एक चीज और अहम है मैं। वो बड़ी दिलचस्प है वो है इनके नाम इनका असल नाम था मोहम्मद खान उसके साथ तीन वाक्यात जुड़े हुए हैं कि मोहम्मद खान से अब्दुल्ला हुसैन कैसे हुए जाहिर बन्नू के मोहम्मद खान इतना ऊंचा का दिए वो और दौल भी लिख के बोले आए तो अब मोहम्मद खान तो लाहौर की जो अदबी फ़िजा है उसमें तो ऐसे ऐसे नाम थे शानदार अदीबों के पता चलता था इम्प्रेस करने वाले थे तो ये मोहम्मद खान क्या हो गया तो फिर वो ये पता चला कि ईद के दफ्तर में एक बंदा था जिसका नाम था ताहिर अब्दुल्ला हुसैन तो इन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला हुसैन नाम रख लेता हूँ जो मेरा पैन नेम है एक

उन्हीं दिनों जब हमने पहले भी जिक्र किया ना कि वो कनाडा की स्कॉलरशिप पाई वहाँ चले गए अब सवा साल में उन्होंने उन्हें जो वहाँ पर एक्सपीरियंस हुए है, ये वापस आए तो उन्होंने अपने एक दोस्त की यादों पर मुश्तमिल कहानी लिखी नदी और वो सवेरा में छपी फिर उन्होंने दो कहानियां और लिखी वो भी सवेरा में छपी और ये मेरा ख्याल उन्नीस सौ तिरसठ का वाक्य है और ठीक और एक चैप्टर फिर सवेरा में छापा गया उदास का हाँ और सेम ईयर फिर उदास नस्ले भी छाप दिया गया और यूं ये ये जो है इसका एक आया फिर मैं ये अपना कह रहे थे नैयर के सेम ईयर उनको नहीं, ए, 65 में दो साल बाद हाँ आदम जी अवार्ड मिला आदम जी अवार्ड उन दोनों बहुत बहुत बड़ा और अहम बहुत अहम था बड़ा बहुत बड़ा था तो अब ये है कि इसमें इसके इसका कोई खास तरह के रद्द अमल भी आया एक तो आप बता रही है कि जुबान के हवाले से कि इसकी जुबान वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि साफ़ सहाफियान सी जुबान है सादा है, है। ग्रामर की भी गलतियां वगैरह वगैरह एक ये उनके ऊपर बड़ा वो किया गया एक उनपे इल्जाम जो लगा वो ये कुरत हैदर का लगा वो बताइए वो क्या है बशर साहब बैठे हैं वो पहले मुझसे कह रहे थे कि मेरा सवाल ये लेंगे तो अच्छा उसमें ये है कि जब ये आया तो ख़ुद करत हैदर ने भी ये क्लेम किया कि दरअसल इन्होंने जो है मेरा जो नावल है मेरे भी सनम खाने उसके कई पैराग्राफ जो हैं वो चोरी किए हैं और ये बिल्कुल एक नकाली है दूसरा उन्होंने उसकी कुछ गलतियाँ भी बताई उन्होंने बताया कि ये जो मरकज़ी किरदार है नहीं ये कई दफ़ा गिरफ़्तार हुआ है और हर दक, दफा जहाँ उसने गिरफ़्तार होना होता है या जिस भी जल्स कोई जलसा जुलूस हो रहा होता है वहाँ ये अचानक पहुँच जाता है तो ये कैसे हो गया फिर उन्होंने बताया कि नावल में जो दिल्ञा वाला बाग का किस्सा है वो एक मछली फ़रोश सुना रहा है तो एक मछली फ़रोश जो है वो इतने फ़लसफाना अंदाज़ में कैसे बात कर सकता है तो ये खामी है तो इस तरह से उन्होंने दो एक दो बातें जो है और कि उन्होंने आखिर में ये लिखा कि ये नावल एक मुबतदी की इब्तदाई कोशिश के तौर पर जो है इसको कबूल किया जा सकता है इसको सराहा जा सकता है अदरवाइज इसके अंदर कोई खूबी नहीं है लेकिन आ, एक सर्वे भी किया गया जहनी जदीद के हवाले से इंडिया में तो वहाँ पर भी पहले नंबर पर उदास नस्लें को पहले का पहले नंबर आया राग का दरिया का दूसरा नंबर आया तो तोन हैदर जो है वो इस हवाले से कहती रही हैं अब्दुल्ला हुसैन को लेकिन अब्दुल्ला हुसैन ने हमेशा जो हैतिन हैदर को अपनी पसंदीदा नावल नगार कहा है बल्कि जब इस सर्वे का रिज़ल्ट आया तब भी उन्होंने ख़त लिखा कि जो कुरतुलन दर है वो बड़ी नावल निगार हैं और वो ज्यादा तो मुस्तक है लेकिन ये क्लेम जो है ये बार बार होते रहे हैं इस इस तरह के हवाले से तो आ, मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि कहीं कही ना कहीं उन्होंने इस्तफा किया हो या एक ओवरऑल एक असर आ जाता है एक बड़े लिखने वाले का ऊपर तो हाँ। ये भी था कि वो जंग जा, के जो सीन है वो मखसूस अंग्रेजी नावलों से लिए हैं तो इस तरह की भी बात हुई है लेकिन जब तक ये है कि चूंकि वो सीनियर बहुत थी तो हैदर और उनका जो आर्ट है no नो डाउट और इनके उदास से लिखने तक वो काफ़ी किताबें लिख चुकी थी हमें आका दरिया भी लिखा जा चुका था आलमोस्ट और मैं मेरे भी सनम खान ने उस दौरान भी काफ़ी कुछ तो एक तो उनका ग्रेंजर बहुत बड़ा है और लेकिन इसके बावजूद भी एक ऐसे शख्स का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो ये नावल लिख के आ गया है तो और फिर उसको इतनी पॉपुलैरिटी हासिल होना वो फिर मेरा ख़्याल आखिर में बात करेंगे जब हम फन पे बात करेंगे ना तो वो उसकी मकबूलीत और उसकी ज़बान के हवाले से तब हम बात कर लेंगे लेकिन मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताऊँ कुदरतुल्ला शहाब का जो है शहब नामा उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी मजेदार हैं नंबर एक एक तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि यह नवाब अफक जो है उनको पता चला कि ना ये उदास से छपा है तो उन्होंने उसकी कापी छापी मोबाइल और कुदरतुल्ला साहब के साथ जो टॉक हुई उन्होंने कहा ये बड़ा वाय नावल है और इसके ऊपर तो इन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा चीज़ों का तो हम तो इनके ऊपर फांसी का इल्ज़ाम लगा के इसको बैन करवा रहे हैं अब जो है अपना यू कह लें कि नवाब ऑफ कार बाग ये प्लान बनाए बैठे थे उधर से ये हुआ कि कहीं जनरल अयुब जो है लाहौर के किसी दौरे पे थे तो अब्दुल्ला हुसैन और कोई एक आध बंदा और मिल के कुछ तरीके से उन्होंने फ्लैटिस होटल के अंदर एक चाय के कप के ऊपर उन्होंने अयूब खान को बुला के तो इसका इसकी लॉन्चिंग करवा दी तो उससे ये हुआ कि नवाब काला का जो सारा प्लान था वो दरेगा धरा आएगा एक तो यानी ये भी अहम है इसमें क़ुरत हैदर का वाक्य बड़ा अहम है वो भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जब आकद्रया के हवाले से उन्होंने कहा कि एक दिन वो बड़ी बाल उनके खुले हुए और हवाइयाँ उड़ी हुई मेरे पास आई कि ये माशाल्लाह लग गया है तो अब ये जनाब जी क्या हमें बौकरी की भी अब आज़ादी नहीं रहेगी ये इतनी शदीद सेंसरशिप है तो कहते और मैंने उसे बताया कि ये जी सारा कुछ तो होगा वगैरह वगैरह तो फिर ये है कि उन्होंने कहा कि चलें हम आ, भौक नहीं सकते तो कम अज कम भौकरे की आजादी का जो एक बड़ा चाह रहे हैं तो उन्होंने कहा मरला था आई शुड लिव पाकिस्तान फॉर इंडिया आपको लगता है, है वो भौंकने का लाभ इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जो उनके स्लूब से वाकिफ है उनकी शख्सियत से वाकिफ है उन्हें पता है की वो एक खास डेकोरम हाँ हाँ नहीं नहीं वो नहीं कर सकती या वो बहुत जाहिर है एक लखनऊ की बहुत एकलीट हाँ, क्लास की हाँ। बंदी थी और वो इस तरह के लफ्ज़ वो अमूमन हाँ, इस्तेमाल नहीं करती मतलब हाँ। कुदरतुल्ला साहब ने कहा है तो फिर आप कहते हैं तो भी ठीक ही कहते होंगे <laughs> अच्छा इसमें आए अगर हम अब्दुल्ला हुसैन के नावल उदास नस्लें पर तो इसके चार हिस्से अब आप बताइए मेरा ख्याल इट इज़ द राइट टाइम हाँ चार हिस्सों में चार अबाब में इसको तकसीम किया गया है पहला हिस्सा जो है वो ब्रिटिश इंडिया के हवाले से है दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान पर है तीसरा बंटवारे पर है और चौथा जो है वो अख्तामिया है तो जैसे कि आपको उनमान से भी ज़ाहिर हो रहा है कि इसको कैसे उन्होंने तकसीम किया होगा कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो दरअसल नोआबादयाती जो कॉलोनी का जो एक रूज है वो हमें दिखाया गया है हिंदुस्तान के बाब में जो है जो हिंदुस्तान की तहरीकें हैं सियासी तहरीकें हैं या एक नौबादियाती दौर के ख़िलाफ़ जो तहरीकें हैं वो हमें सामने उभरती हुई नज़र आती हैं बंटवारे में भी जो है यही सिलसिला नज़र आता है और अख्तामिया जो है वो तकसीम के बाद का जो है वो थोड़ा सा हिस्सा जो है यानी कि जब लोग लाहौर लो पहुँच गए या पाकिस्तान पहुँच गए तो क्या उसका सनारी है उसके हवाले से जो है वो मौजूद है Uh, बाकी इसमें तीन नस्लें हैं और uh, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं नहीं नहीं ठीक है तीन नस्लें हैं इसमें हाँ और, और इसका जो जो टाइम पीरियड है हाँ वो 1913 से लेकर जो एक कहानी है जो कि पसमंजर में 1850 से चल रही है लेकिन दरअसल असल जो कहानी 1913 से लेकर 1945 तक के दौर तक जो है वो गोहित है और हमें पता चलता है कि एक कर्नल जॉनसन है अठारह सौ के जंग आज़ादी के वक्त में जो कि शदीद जख्मी हैं तो एक साहब जो है जिनका नाम क्या नाम रोशन हाँ बाद में रोशन आगा के नाम से आते हैं और हाँ तो वो उनकी जान बचाते हैं कर्नल जॉनसन की और हर किसी की वो मुखालफत बर्दाश्त करते हैं और अपने दोस्त के घर में उनको रखते हैं तो उस जान बचाने के एजाज़ में या उसके जवाब में उनको पाँच सौ मुरबा ज़मीन जो है वो उनको इनाम में दी जाती है जिसमें वो पचास मुरबा जो है वो मिर्ज़ा अहमद बेग को जो है वो उसको तोहफतन दे देते हैं वो इसलिए देते हैं कि पाँच सौ तो इन्हें मिली होती है ठीक है ना मुझे वैसे इस वाक़ से सर सैद अहमद खान याद आ गया थे, 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 थे. तो वो पाँच सौ मुरबा जमीन इन्हें मिलती है चूँकि जब हिंदुस्तानी बागी जो हैं उनको पता चला कि इस घर में अंग्रेज़ है और शायद उसको बचाया जा रहा है जो भी है तो उसको मारने के लिए अटैक करते हैं तो वो जो रोशन आगा के नाम से बाद में किरदार आता है वो उसको पिछले दरवाजे से ए, उस बेग के यहाँ ले जाते हैं क्या नाम है मिर्जा अहमद बेग के यहाँ ले जाते हैं और इस तरीके से उसकी जान बचाने में क्योंकि वो उन दोनों का हाथ है तो लिहाजा ये हुआ कि उसको भी पचास मब्बे उसको देते उन पांच सौ तो में से इस तरीके से होता है ना तो अब इसमें जो है जो अहम बात ये सारा वाकया एक दीन गाँव का जो सबसे सीनियर है जो जवानी में जो इस गाँव में आया था उसकी जुबानी ये वाकया कहवाया जा रहा है ये ये जो है कि वो एक बंदा जो जिला रोहतक के एक कलेक्टर ऑफिस में मुलाजिम पास था तो वो उसको 500 सौ मिलते हैं और बाद में वो रोशन आगा के नाम से एक बड़ी जागीर लेते हैं अच्छा जागीर लेने की कहानी बड़ी दिलचस्प बताई है उन्होंने उन्होंने कहा कि उस वाक्यात गांव में यूं मशहूर थे या तो उसको कहा गया कि आप ऐसा करिए जितना भाग सकते भाग जाए मगरब तक जहाँ मगरब हो गई वो सारी जगह आपकी, सारी जगह आपकी। एक उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि एक टीन लें उसके अंदर छोटा सा सुराख करें उसमें भर दें और आप घोड़े पे रख के उसकी पीठ पे दें जहां तक घोड़ा मगरब तक पहुंच जाए तो वो आपकी जमीन होगी और तीसरा ये था कि आप खुद भागे <laughs> जहां तक आप भाग सकते हैं वगैरह वगैरह इस तरीके से दो तीन जिस तरह से मशहूर हो जाती है फिर अब ये देहाती एक पूरा पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा ये भी कि उसकी जो बीवी है अहमद बेग की उसको ये रोशन आगा जो है ये पसंद करता था और जो रोशन आगा है उसकी बीवी को कर्नल जॉनसन पसंद करता था तो इसलिए भी कोई अंदर खाते को चल रहा था लेकिन ये अफवाहें थी सारी की सारी अत तक ये अफवाहें भी थी कि खुद जो अहमद का बेटा है अहमद बेग का बेटा है वो जो है रोशन आगा का है असल में और रोशन आगा का जो बेटा है वो कर्नल जॉनसन का है अब कर्नल जॉनसन को इतना क्योंकि बेसिकली उसका रॉयल फैमिली से कोई ताल्लुक था तो पांच सौ रबे जमीन ऐसी नहीं मिल गई तो ये एक अफवाहें दी हुई है कहानी, कहानी। बैकग्राउंड डेवलप किया गया है कहानी असल में वही है जो जिसमें उन्नीस सौ तेरह बताया गया उन्नीस सौ तेरह में एक रोशन महल है और रोशन महल के अंदर एक तकरीब हो रही है जिसमें वो अस्सी साल रोशन आगा जो है जिसको 500 सौ मिले थे वो मर चुका है अब उसका बेटा है हुँ. और उसकी ताजपोशी की रस्म उसको पूरी जागीर के इख्तियार तो लिए वो, वो, वो उसमें गोरे आए हुए हैं कि उसमें कुछ नाम गोखले का भी है हुँ. गोखले है, तिलक है। और तिलक है राम गंगाधर तिलक है दोनों ये कांग्रेसी थे एक गोखले जो था ये मोतीदिल कांग्रेसी था और ये जो था हार्डकोर था तिलक जो था और जेल में था उस वक्त हाँ तो हाँ नहीं वहाँ तो नहीं आया लेकिन उसका जिक्र मेरे ख्याल हाँ, वहाँ पे जिकर, हुआ, हुआ। वहाँ और इसके अलावा जो है काफ़ी अलीट क्लास वहाँ पे जमा है और ख़ास तो ये एक मंजर पूरे का पूरा अलीट क्लास पर्दा जब उठता है तो वो एक जर्क बर्क और बड़ी लैविश किस्म की रोशन महल में पार्टी से हुँ, हुँ. वो सामने आता है हुँ. अब इसमें जो चार अफवाब बनाए गए हैं उनके जो नाम है वो ये लगता यूं है कि जैसे ये किताब जो है जिसको हम नावल कहा जा रहा है वो एक हिस्ट्री की किताब है हुँ. ब्रिटिश इंडिया हिंदुस्तान बटवारा बटवारा और अख्ताम और लेकिन इसके अगर हम प्लॉट के ऊपर थोड़ा सा देखें पता प्लॉट पे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बात लोगों ने बस मैंने तो ये आज से कोई बीस साल पहले पढ़ा था तो बाद में मैंने दे, देखा ही है जिसको पढ़ना कहते हैं तो अब हमारे भी बहुत सारे लोग मैं भी कहाँ पर लेकिन मैं हल्का हल्का इशारा करके फिर उस बहस की तरफ चला जाए मेरा ख्याल के अभी आधा आधा घंटा हुआ अगर पाँच एक मिनट इसके प्लॉट की तरफ लगा लें कि ये थोड़ा सा तो हमने बता दिया कि दो खानदान एक गांव के एक को जागीर मिल जाती है पाँच सौ की एक को पचास, पचास की मिलती है और जो जिसको पचास की मिलती है वो जो है असला बनाने का माहिर है बंदूकें बनाता है हाँ। अपने शौक से यानी कि जो मिर्जा अहमद बेग है उसके आगे दो बेटे हैं और जो बड़ा बेटा है उसको बंदूक बनाने का या असलाह बनाने का शौकीन है रोशन आगा का आगे बेटा भयुद्दीन है जिसको हाँ। इख्तियारे हैं और उसका आगे दो बेटे अयाज और न्याज जिनमें से न्याज जो है वो बंदूकें बनाता है और क्या है इतनी अच्छी बनाता है कि गोरे भी नहीं बना सकते वो खुद ही बना के तो उसको अपना जहाँ पर उसकी क्या कहते हैं तो गुदाम वो, है वहाँ पर गुस्सा वगैरह पड़ा होता है उसमें छुपा देता है तो पहली दफा उसकी मुखबरी होती है वो उसको पकड़ने के लिए आती है फिर वो रोशन आगा जो है उसको छुड़ा देता है सिफारिश करके लेकिन वो कहा जाता है कि पहली दफा जब उसको लेके गए गोरे, और वापस छोड़ा उसकी सिफारिश पर तो तो जब वो आया तो उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी रंग उड़ा हुआ था और आधी दाढ़ी उसकी दो चीज आ चुकी थी तो ये बताया जाता है कि उसके साथ भी वो सलूक हुआ है जो ऐसे होता है अब तक है। तो उसके बाद जो है, ए, जो है फिर एक आ, तो दफा पकड़ा जाता है लेकिन फिर छूट जाता है तीसरी दफा जब पकड़ा जाता है तो उसे फिर का कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो उसे बारह साल की कैद होती है साल की कैद होती है और वो जो पचास मिले थे वो वापस वो भी ले ले ले, ले वापस ले ले लिए लिए तो अब उसका एक बेटा है नहीं और उसका चाचा जो है अयाज बेग वो उसको लेके कलकत्ता चला जाता है और उसको पढ़ाता लिखाता है उसको सीनियर कैम्ब्रिज कराता है तो नईम जो है वो हमारे इस नॉवल का हीरो है और उसकी तालीम जो है वो कलकत्ता में हुई है सीनियर कैम्ब्रिज में हुई है इसमें जो आयाज बेग है वो कहता है कि इसने न्याज भाई ने जो पकड़े गए हैं इन्होंने हमारी इज्जत पे लगा दी है और फिर ये है कि चूंकि मैं अब गांव मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर मैं गांव गया तो इंटेलिजेंस को या किसी को फौज को या आर्मी को या ये हुकूमत को पता चल गया तो सारा कुछ छिन जाएगा तुमने भी नहीं जाना नहीं। तो ये बारह साल मिलने के लिए खानदान को जो कि पीछे अकेला रह के नहीं जाते ठीक है ना अलबत्ता उसके बेटे को उठा के कलकत्ता ले आता है कुछ होता है तो अब यहीं पर जो अहम मोड़ है इसका अगला वो ये है कि जब नईम की जिस पार्टी की आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे गोखले और सब हैं वहां पर नईम जो है वो अजरा से मिलता है अजरा जो है वो रोशन आगा की बेटी है और उनकी दोस्ती हो जाती है और वहीं पर जो है वो नईम जो है वो तिलक की का जिक्र भी करता है तो जो अंग्रेज एक साफी है वो उस पर गुस्सा हो जाता है और बाद में उसका चाचा उसको मना करता है कि, इसकर... कि तुमने क्यों नाम, क्यों नाम लिया इसका जिक्र करना भी जो है इसको आपको गिरफ्तार किया जा सकता है तो यहाँ पर ये इस तरह का एक नेहरू का भी जिक्र आता है हाँ, नेहरू का भी मोतीलाल नेहरू का बेटा जो है से आया है है नौजवान तो फिर पता चलता है कि न्याज बेग जब वापस रिहा होके बारह साल बाद गाँव आता है तो नईम जो है अपने बाप से मिलने जाता है वहीं पर कुछ बाप के साथ गुजारता है और वहीं पर अजीम अव्वल में जबरी तो है है। आलमी जाग लग चुकी है तो यहाँ से जबरी भर्ती की जा रही है लेकिन रोशन आगा के असर से मावन से वहाँ से चालीस नौजवान जो है वो ले लिए जाते अच्छा इस पे मैं आपको बताऊँ ये मेरी याददाश्त में मेरे वाले की आलमोस्ट कोई उन्नीस सौ तैतीस की उनकी पैदा तो वो बताते हैं कि दूसरी जंग अजीब में भी जबरी बढ़ती हुई थी तो वो बताते हैं कि वो बाकायदा एक डोल वाला होता था उसके साथ गाने वाला एक आगे होता था तो उसके लिए गीत लिखे गए थे कि अगर आप फौज में जाएंगे तो आपको ये ये मिलेगा आपको ये ये सहूलत हासिल होंगी आपका वतन जो है वो बचेगा तो लिहाजा वगैरह वगैरह तो इस तरीके से भर्ती किया जाता है जिया तो, तो नौजवानों को किया 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 जाता नहीं। नहीं जा नहीं। नहीं। जाता है 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 लेकिन इसको नहीं जा रहा हालांकि ये भी क्योंकि वो कहते हैं कि आपने सीनियर हुआ तो आपको कोई नौकरी मिल सकती है सरकारी आप फौज में ना चाहे लेकिन ये इंसिस्ट करता है क्योंकि इसको अजरा ने जब वो उस पार्टी में जाता है उसको अजरा ने कहा होता है क्योंकि तुम्हारा बाप जो है उसको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रखा है तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती तो एक तरह से रियक्ट में जो है वो या किसी तलाश में वो जो है वो फौज में भर्ती हो जाता है फिर वो बेल्जियम और फ्रांस के इलाकों में जंग लड़ता है और फिर कहीं इसी जंगो जदल में ही जो है रोशनपुर के सारे नौजवान जो है मारे जाते हैं सिर्फ यही जनता वापस आता है, और इसका... भी इनकी जाती है। और इसका एक बाजू जो है वो कट जाता है और उसको मिलिट्री क्रॉस जो है वो मिला जाता हाँ। है और हिंदुस्तान में ये तीन नौजवान हैं जिनको ये मिलिट्री क्रॉस मिला है तो ये जो नहीं है वो भी इनमें नहीं हाँ। अच्छा ये इससे मुझे याद आया कि जब ये गुजरात में था उसके वालदेन और ये नौकरी कर रहा था इन्होंने इसने लिखना शुरू किया तो ये अब्दुल्ला हुन जो है तो ये फिर जिसको मिलिट्री क्रॉस मिला हुआ था वो कहीं गुजरात के दूर दराज गाँव में था ये उससे मिलने के लिए गया था उसका नाम आ, कोई खान ही था उसके साथ आता है सूबेदार समथिंग तो वो मील पैदल चल के तो उसके गांव पहुंचा फिर उसने उसको किताबें वगैरह भी दी थी तो वही करेक्टर मेरा कल बाद में यहाँ पर भी आता है वो प्लॉट में जहाँ आए तो जिक्र कीजिएगा उसका अच्छा फिर उसमें ये है कि जब वो जंग से वापस आता है तो वो अंदर से बदल चुका होता है ज़ाहिर है जंग में जो कत्ल वारत देखी जो खून देखा वो उसको इनरली बदल देता है नेम को ना तो यहाँ पर जब वो गांव दोबारा आता है तो वो किसानों की जो सूरत हाल देखता है उस पर बहुत कुड़ता है वो देखता है किसान कैसे दानों के लिए जो है वो रोशन आगा महल के सामने खड़े रहते हैं फिर एक जगह बड़ा अहम वाक्य है कि उसमें बताया कि रोशन आगा ने क्योंकि मोटर खरीदी है मोटरकार तो मोटराना की सूरत में जो किसान है वो उसके पैसे देंगे तो फिर वो देखता है कि जो अहमदीन जिस जो कि सबसे पुराना बासी है रोशनपुर का उससे कोई झगड़ा हो जाता है अंग्रेज़ों का और वो उसको मारते कूटते हैं तो ये इन सब बातों पे वो कुड़ना शुरू कर देता है कि ये किसानों के साथ या तबकाती तकसीम है इस हवाले से तो वहाँ पर उसको जो मास्टर साहब हैं उस रोशनपुर के वो उसको एक दहशतगर्द तंजीम में भेज देते हैं कि ताकि वो उनमें शामिल होकर आज़ादी की जंग लड़ सके मेरा ख्याल है वो मास्टर हरी चंद है

को भी हाँ। टैच किया जाता हाँ, हाँ। है हाँ। लेकिन वहां पर भी वो ज़्यादा रह नहीं सका क्योंकि वो, क्योंकि वो वो जंग में इतनी बर्दाश्त हाँ। नहीं कर सकता है दिल्ली और वो वो मिल, मिलिट्री क्रॉस पहनकर और... इसमें शीला नामी लड़की जो की मेरा ख्याल है की अनटचेबल में से होती है अछूत होती है तो उससे जो मुलाकात और उसके हाँ तालुण तालुण बन जाए एक तो ये है मैं। फिर यह है कि वो आके जब वो आप कह रही हैं कि वो दहशत पसंदी से तायब हो, हो जाता है तो वो गांधी की जो अहिंसा है नॉन वायलेंस जो तालीम है उससे मुतासर होता है और फिर अटैच वो कांग्रेस की तहरीक से हो जाता है एक तो ये है और उसके बाद ये जो आप कह रही कि उनकी दोबारा हजरा से मुलाकात होती है एक पार्टी में उम्मीद के शादी में उसके भाई की शादी में और वो अपने फैसला करते हैं कि वो शादी कर लें तो अज़रा से उनकी शादी हो जाती है हालांकि शादी बहुत मुश्किल थी क्योंकि अज़रा का ख़ानदान एक आला तबके से था और अब जो है वो एक अमूमी किसान है नईम जो है लेकिन खैर वो शादी हो जाती है तो शादी के बाद जल्द वाला बाग का जो है एक मछली फ्रोज़ जिसका भी क़ुरतल हैदर के हवाले से ज़िक्र हुआ वो किस्सा सुनाता है तो उनको एक एक वो जोश सा महसूस करते हैं और अज़रा उनसे कहती है कि हम दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं क्योंकि मुल्क तो अभी आज़ाद नहीं हुआ इस तरह से उनकी वो एक वो दोनों मिल के जदोजहद हाँ, करते हैं एक सियासी तहरीकों में उनकी कंट्रीब्यूशन या उनका जो है वो स्टार्ट हो जाता है उस पे मसलन जिक्र है क्या कहते हैं इनका सैमन कमीशन का और वेल्स, वेल्स के वेल्स के जो प्रिंस हैं हाँ, उनकी आमद का इसी तरह शहीद मस्जिद शहीदगंज शहीदगंज हाँ, का जो वाक्य हाँ, है वो हाँ, है कुछ है। और इस तरह से हुँ. क्योंकि लाइव जो तारीखी किरदार भी उसमें मौजूद है नेहरू जगह जगह आता है हाँ, हाँ, हाँ. और इस तरीके से जो मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर जगह जगह पर आते हैं गांधी वगैरह तो उन्होंने जिस तरह से इसको ब्लेंड किया है चीजों को वो बहुत मजेदार है कि फिक्शन एंड फैक्ट को मिला मिला के उन्होंने इस तरह से को देखा है। इसी अरसे में कई दफा जो है नईम जेल भी जाता है ही। और अजरा जो है वो फिर उसके हवाले से जो है ये साइमन कमीशन के हवाले से एक जुलूस में शरीक होती है तो वहाँ उसका जो बाप है मोहुद्दीन वो उसको देख लेता है क्योंकि वो एक आला तबके से के हिस्से से है तो उसको डांटता है कि ये तुम जलसे जुलूसों में क्यों शरीक होती हो ये छोटे लोगों का काम है तो यहाँ पर ये इस पता चलता है कि वो छोटे लोग किन को समझते हैं तो लेकिन वो उसका ही कहना होता है कि मेरे शोहर को इन्हीं ने गिरफ्तार कर रखा है वो जेल में है तो मेरा ये इस जुलूसों में शामिल होना चाहे वो बनता है लेकिन खैर वो वहां से रिहा हो जाता है और वो वापस आ जाता है लेकिन फिर पता चलता है कि इन दोनों की जो नज़रियाती जो रुझानात हैं अज़रा के और नीम के ये भी अपोजिट है अज़रा जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ ज्यादा है सर आगा खान दो से से, हाँ हाँ सोन से हुँ, और हुँ, ये जो है ये कांग्रेस की तरफ ज्यादा है।, है तो उन्हें की आमद होती है सर आगा खान की तो अज़रा कहती है कि मैंने जाना है तो वो उसको भेज तो देता है लेकिन वापस को वापस छोड़ छोड़ जाता है और फिर कहीं अपने घर यानी कि वापस आ जाता है रोशनपुर यानी कि एक तरह से उनके अंदर एक सेपरेशन सी हो जाती है तो आ, यही से वो फिर जाता है जिसको वहाँ बनू। बनू हाँ। 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 पर एक जलसा है और वहाँ पर कत्लोकारत हुई है तो ये दोबारा पकड़ा जाता है जब वहाँ से राई मिलती है तो उसको घर आता है तो उसको फॉलेज हो जाता है और जब अजरा सुनती है उसकी फॉलेज का तो वो वापस आ जाती है दोनों इकट्ठे जाते हैं वहाँ पर दिल्ली में उसका इलाज होता है अच्छा यहाँ पर उसका एक के टर्निंग पॉइंट हमें बहुत ही नज़र आता है कि अब उसको एक को डॉक्टर मिलता है डॉक्टर अंसारी जो उसकी तवज्जो जो है वो मज़ब मादे फ़लसफे ख़ुदा दुनिया के जो मबास हैं कायन के मबास उन पर उसकी तवज्जो दिलाता है तो इस तरह यहाँ पर लगता है कि नीम जो है उसका कहीं अंदरूनी तब्दीली जो है वह उसकी कहीं नज़र आती है फिर जब वो ज़रा बेहतर होता है तो उसकी एक उसको जॉब मिल जाती है एक किसी क्या था वो मतलब एक पार्लियामेंट्री हाँ लेकिन उससे पहले वो जो है जलियांवाला का जो गैर सरकारी कमीशन बनाया जाता है उसकी हाँ। तहकीकात के लिए उसमें हाँ। भी उसको शामिल किया जाता हाँ। हाँ। है तो उसकी जो जनरल डायर को भी हाँ। किसी ट्रेन में जनरल डायर जो बातें गुफ्तगू कर रहा है किसी हाँ। तो वो भी सुनते हैं कुछ सी वो बयान है उसके हवाले से वो उसके बराहिरास्त उसके सामने होते हैं तो उसके बाद फिर वो वहाँ जॉब चल जाता है वहाँ पर एक रहमान है जो कि ब्यूरोक्रेट है वो भी इन्हीं तरह के तश्ीक के मबाइस में पड़ जाते हैं और नईम को भी अपने साथ शामिल कर देते हैं तो यहाँ पर नईम की जो जहनी हालत है वो एक गुम की कैफियत में है कहीं वो एक इंतशार में बेचैनी में नज़र आता है और यही वो दौर है जब तकसीम का शोर है और पाकिस्तान बनने वाला है तो इसी कहीं भगदड़ में जो है वो नईम किसी दिन अचानक ग़ायब हो जाता है और बाकी जो रोशन महल के लोग हैं वो जहाज़ लेकर लाहौर पहुंच जाते हैं और वो कहीं किसी काफ़िले में शामिल हो जाता है और इसी काफ़िले में उसको उसका छोटा भाई अली मिलता है और अली उसे कहता है कि तुम्हें क्या तुमने हासिल किया इतना कुछ करने के बाद भी तो वो कुछ अजीब गरीब सी बेरब सी बातें करता है उस काफ़िले के दौरान को एक नज्म भी सुनाता है और अचानक कहीं वो कहीं लो हजूम होता है उनमें कूद पड़ता है उसको रोकते भी हैं वहीं कहीं फायरिंग होती है और वो नईम जो है वो

लेकिन बाकी जो छोटे छोटे किरदार हैं, मसलन न्याज जो बंदूकें बनाता है और जेल चला जाता है एक किसान वो भी किसान है इसी तरीके से ए, उसका एक भाई है अली जो के ए, आगा, जो रोशन आगा की सिफारिश पे मिल में काम है मिल में काम करता है, है।, है। यस और इसके अलावा बाकी छोटे मोटे करेक्टर हैं, कुछ उसके साथ फौजी हैं जो वहां पर फ्रांस के महाज के ऊपर महेंद्र सिंह है जो गांव में जब वो था उसके साथ उसकी कंपनी रही वो भैंसे चोरी करता था समथिंग तो जब देहात की उन्होंने पेशकश की है तो वहाँ पर महेंद्र सिंह जो है उसका किरदार एक बड़ा रिप्रेजेंट करता है उस दौर को या अच्छा इसका को मिजाज है। जो है नईम का मिजाज और उसकी आदतें ये है उसको कैसे क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स किरदार है हीरो है लेकिन कॉम्प्लेक्स है इसकी जो आदतें उसके मिजाज उसकी सोचें जो है और उसका जो आई मीन उस जिस तरीके से निभा के उसको आखिर तक लेके आए हैं इतनी मशाकी से और इतनी फनकारी के साथ तो इसमें जरा थोड़ा सा ख्याल होना अच्छा चाहिए मैं, मैं आ, सोच रही थी कि जो हमने थोड़ा सा इसका सफ़र बताया है तो आपने देखा होगा कि वो आ, पल पल बदल रहा है हर जगह जगह उसकी ज़िंदगी में एक इरतका बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि अमूमन किसी एपिक के रजमिया के हीरो नहीं होते कि वो मुस्तकिल किसी न किसी एडवेंचर में होते हैं एक जगह ख़त्म होती है दूसरी जगह दूसरी से तीसरा यानी कि वो आगे बढ़ता जा रहा है तो वो किसी रजमिया दास्तान का मुझे हीरो लगता है अगर चाहे कि रज़मिया के एंड शायद वो अच्छा होता होगा उसका जो है हकीकत पसंदाना उन्होंने किया लेकिन ऐसे ही उसकी जो ज़िंदगी की जो दरियाफ्तें हैं वो ऐसी ही रही हैं कि पल पल कुछ ना कुछ बदल रहा है फिर एक और चीज़ उसमें जो आम है हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि दो तरह के किरदार होते हैं एक फ्लैट किरदार है और एक राउंड किरदार है तो जो फ्लैट है वो उसका मतलब ये कि सीधा सा किरदार है शुरू से आखिर तक ऐसे ही रहेगा राउंड किरदार की खूबी ये बताई जाती है कि वो आपको सरप्राइज़ कर दे यानी कि जो उसका आगे जो वो करने वाला हो आप उसको आप उसको उसका इन एक्सपेक्टेशन भी ना रखते हों और तवक्को भी ना रखते हो कि अच्छा ये ये कर देगा आपको हैरान कर देगा तो नईम के करदार में ये बहुत ज़्यादा है वो हर अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर जो भी उसका एक्शन है वो अपने पढ़ने वाले को हैरानी में मुब्तला कर रहा है जैसे पहले वो दहशत में आया तो जंग में आया तो उसने कत्लो देखी तो दहशतगर्दी में आया तो उसने गांधी की अहिंसा की तहरीक में शामिल हो गया तो रिवॉल्विंग रिवौल्व, करैक्टर है पल हर पल हर उसमें एक तो अहम ये है कि उसकी जो सर्द मैरी है वो बहुत दफा अपने घर से ताल्लुक होता है जेलों में जाता है लेकिन अपने बूढ़े वाले के साथ वो कम वक्त गुजारता है मसन एक तो ये कि जब उसका बाप जेल में गया है असले बनाने के चक्कर में तो ये बारह साल उससे दूर रहा बारह साल बाद जब ये जाता है तो फिर ये आलमी जंग पे चला जाता है आलमी जंग से वापस आता है तो उसके बाद फिर ये किसानों को मनज़म करने की कोशिश करता है और दैशसन तंजीम में जाता है कांग्रेस में जाता है तो ये फिर जेल में जाता है और जब उसके बाद फिर ये वापस आता है उसका बाप बूढ़ा हो चुका है वगैरह वगैरह तो ये मुसलसल इसका है कि फिर अजरा से भी जब मिलता है तो चुप करके उठ के आ जाता है जिस तरह तो गोया इसके पास जो बहुत करीबी रिश्ते हैं जो कि फ़र्द की एनर्जी का बायस बनते उसका उसकी बैकअप फाइल होते हैं कि उसको कोई अहमियत देने को तैयार ही नहीं है और ना कोई उस उनको इंजॉय करता है उनकी कुर्बतों को उनकी मोहब्बतों को बल्कि ये हालत जंग में जिस तरह कोई करैक्टर है ये मुसलसल एक जद्दोजहद में और इसके अंदर जो आज़म है वो बहुत शदीद है पहाड़ों वाला आजम है टकरा जाने वाला और बहुत अमलीत पसंद है यानी थिंकर नहीं है ही डिसाइड एंड ही एक्ट्स को इस तरीके से वो तो लिहाजा चाहे वो एक्सपोजर यूरोप का ले रहा है या पेशावर से आके जा रहा है क्या कहते हैं इलाका गैर में जा रहा है या कलकत्ता जा रहा है या दिल्ली जा रहा है या रोशनपुर जा रहा है तो या जेलों में जा, जेलो जा रहा है या इसकी जो वेरिएशन हैं इस करेक्टर की वो बहुत यानी हैरत अंगेज़ है और ऐसे करैक्टर को निभाना ज़रा मुश्किल काम है कि उसके अंदर कोई ऐसा तजाद पैदा ना हो कि जो रीडर को किसी परेशानी में मुबला करे कि अगर ये हरकत ये कर रहा है तो इसका इसका बैकग्राउंड ऐसा क्यों है हुँ. तो उसने जो निटिंग की है करैक्टर की वो बहुत इस हवाले से मैं समझता हूँ शानदार है इसमें जो और अहम चीज़ है वह उसके कॉम्प्लेक्सेज हैं वैसे एक सर्द मैरी का कॉम्प्लेक्स है उसका अपने आप को मनवाने का कॉम्प्लेक्स है जिसके लिए वो फ़ौज में भी भर्ती हो जाता है तो और फिर आ, किसानों की जो सूरत हाल है उसकी ग़ुर्बत और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे घबरा कर उनको मुनम भी करने की भी कोशिश करता है कांग्रेस के साथ उसके जो मामला हैं, उसके लिए जो उसकी जद्दोजहद है सेवन कमीशन में वो तो बीवी के साथ जनाब जी होता है और वहाँ गिरफ्तार होता है फिर इसके अलावा वो अपने भाई को भी कहता है कि तुम भाई उसका चाहता है कि गाँव आऊँ और अपनी खेत मज़दूरी करूँ आराम से तो उसको कहता है कि नहीं हम वहाँ पर मजदूरों को मनज़म करेंगे ये तो ये जो इसकी एक अब मुझे मैं ये समझता हूँ कि क्या बीसवीं सदी का जो निसफ़ अव्वल है जिसमें आलमी सतह पर तो दो आलमी जंगें मौजूद हैं लेकिन बरतानिया की सूरत में एक ऐसी बड़ी साम्राज्य इस्तेमारी कुवत पूरी दुनिया के ग्लोब को अपने कब्जे में ले लेती है जिसके मतलब लिखा जाता है कि इनकी सल्तनत में सूरज गुरू भी नहीं होता तो उनका जो जबर है एक साम्राज्य और एक कलोनियल जो जुल्म है उसके अंदर जो नीचे कह रहे कि उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें एक ऐसे शानदार करेक्टर का वज़ा करना जो कि अलामत है उसी अहद के यानी बीसवीं सदी के निसफ़ अव्वल के जद्दोजहद आज़ादी करने वाले फ़र्द की या इनकलाब की क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन भी आ चुका था तो गोया ये मेरा ख़्याल है कि निसफ अव्वल की जो आलमी तहरीकें हैं वो दो ही तरह की हैं या वो साम्राज्य से कलोनियल पार्ट से आज़ादी लेने वाली हैं या वो उस उसको बदलने वाली है कैपिटलिज्म से उसे सोशलिज्म में कन्वर्ट करने वाली है। तो मेरा ख्याल है कि एक किस्म का ये एक ऐसा हीरो उन्होंने किया है जो हमें कहीं अबुल कलाम आज़ाद की सूरत में नजर आता है कहीं गफ़ार खान की सूरत में नजर आता है कहीं हमें आ, 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 ये जो है गांधी की सूरत में नजर आता है कहीं हम, हमें क्या कहते हैं नेताजी की सूरत में नजर आता है तो ये उस, उसको उन्होंने एक किस्म मिसाली जो कि अपनी मिजाज में मिसाली नहीं है ना ए, राइटर ना राइटर और ना ये ये अच्छा आपने ठीक कहा है कि ये बिल्कुल एक तनाजर है मैंने ये महसूस किया कि उन्होंने जहां भी इस नॉवल में कन्फ्लिक्ट दिखाया है वहां पर हिंदू या मुसलमान का कन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया वहां पर अंग्रेज का और मकामी बाशिंदे का दिखाया है जो सिख किरदार है या हिंदू किरदार है वो एक दोस्त की तरह से दिखाए हैं और कोई उनके अंदर जाती दुश्मनी या उस तरह से सामने पेश नहीं गई पेश नहीं की गई लेकिन दरअसल मामला जो हैं वो अंग्रेज़ के और मकामी लोगों के साथ है यहाँ पर एक जो मकालमा है वो बड़ा मज़ेदार है और उसको समझने के लिए बेहतर है मैं उसको उसकी वजाहत कर देती हूँ एग्जैक्टली exactly मुझे याद नहीं होगा कि जब ये जंग में जाता है तो जंग के दौरान तो एक सिख उससे पूछता है कि हम ये जंग किसके खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो कहता है कि जर्मन के ख़िलाफ़ ना कहता है क्यों कहता है कि जर्मन जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ है तो कहता है फिर कहता है अंग्रेज़ जो है वो वो हमारा रोशन आगा का तो नहीं जर्मनों ने हमला किया है तो कहता है कहाँ पर रोशनपुर पर तो कहता है नहीं अंग्रेजों पर तो अंग्रेज कौन है अंग्रेज जो है वो रोशन आगा के दोस्त है तो इसलिए वो हमारे भी आका है तो आगे से तंग आकर कहता है कि हमारे कितने आका <laughs> आगा भी आका है रो भी आका है तो इस तरह की मुकालमे के जरिए से उसने जो ये जबर है नोबादिया जबर जो है इसके तनाजर में इसको बयान करने की कोशिश की है इसमें मुझे जो बहुत इम्प्रेसिव लगा एक तो नईम का किरदार लगा कि एक मुसलसल जद्दोजहद है और उसके अंदर तीन चार चीज़ें हैं जो जिसकी वह कश्मकश में रहता है एक उसकी जो कश्मकश है वो है कि ज़िंदगी के किसी नसफुल्हैन की तलाश है जिसके ज़रिए से वो अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सके जिसके जरिए से वो अपनी शनाख्त को कायम कर सके वो या फ़र्द की शनाख्त और ज़िंदगी को को मीनिंग देने का जो अमल है ये मेरा ख्याल है कि दुनिया भर के फलसफों और लिटरेचर्स का ये एक बुनियादी थीम है और जिसको बड़ी ख़ूबी से इस फिलोसॉफिकल ईशू को क्रिएटिव सतह पर हमारे जो अब्दुल्ला हुसैैन है उन्होंने निभाने की कोशिश की है और फिर उनमें एक ज़मीर की खालिश वाला मामला है ज़मीर की ख़ल के जवाज़ की तलाश का मामला है मतलब शीला के साथ उस उनके जो जिनसी तल्लुक बनते हैं जो बाद में उनका गिल्ट भी बनता है और और वो उसी गुनाह और स्वाव और ख़ैर और शर के उसमें रहते हैं हमेशा के लिए फिर इनके यहाँ गरीबों के लिए आवाम के लिए एक मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा ये बड़ा बले तहसीन है कि वो गांव में जब देखते हैं किसानों की गुरबत को उनकी बुरे हालों को देखते हैं कि जिनका काम महज जागीरदार को खुश रखना और अपने लिए दो वक्त की रोटी कमाना है तो अब उसमें यानी पूरे गांव में किसी के पास जमीन नहीं है और किसी का घर पक्का नहीं है इनका इसलिए पक्का होता है कि इसको वो पचास रुपए मिलते हैं जो कि बाद में वापस ले लिए जाते हैं बाद में जब उसको उसको मिलिट्री मिलिट्री क्रॉस क्रॉस मिलता है है तो वो जरा दोबारा फिर उसको जाते जाते है। फिर मिल जाता ये क्रॉस को की भी परवाह नहीं करता उसके नतीजे में मिलने वाले पैसे और दौलत और जो जमीनें उसको मिलती हैं ये भी तरक मवाल में वापस कर देता है ये भी एक बड़ी यानी इस करेक्टर की हैरत अंगेज बात है फिर इसमें जो है एक सतह पर आगे जाकर जो इसके अंदर एक थिंकर डेवलप होता है वो बड़ा अहम है अच्छा आपने क्योंकि ये कहा है कि आपको पसंद रहा है ये किरदार तो मैं फिर आपसे पूछूंगी ये जो आखिरी जो हिस्सा है जिसमें आप उसको थिंकर कह रहे हैं उसमें जो मबाद शामिल हैं मुझे यूँ लगता है कि जैसे वो नईम के पिछले जो किरदार हैं जिसमें वो एक अमली ज़िंदगी में बहुत ही एक्टिव रोल प्ले कर रहा है उससे अलग है कि वहाँ पर वो मजहब की अहमियत पर बात कर रहा है कि मज़ब क्यों ज़रूरी है ठीक है फिर वो आ, मज़ब एक इदारे के तौर पर कैसा है या क्या है या उसको कैसा होना चाहिए और फिर वो तशकीक की तरफ़ बढ़ रहा है वो कफ़ारा अदा करना चाहिए जैसे कि आपने कहा कि उसको एक पछतावा है रगरेट है एक शीला का एक वो एक और भी बताता है कि जंग के दौरान जो है उसको एक बंकर से उसका दोस्त आवाज़ देता है तो वो बोलता नहीं अब जवाब नहीं देता तो वो क्या करता है कि वो उससे निकल आता है बंकर से उसके पास आने की कोशिश करता है जैसे वो निकलता है तो उसमें फायरिंग हो जाती है तो उसको लगता है कि ये कत्ल जो है उसका वो उसकी वजह से हुआ है तो उसने कहा कि मैंने एक एक औरत के साथ जाती की शीला की सूरत में और एक मैंने कत्ल किया तो उसको ये कफारा अदा करना है तो ये सारा कुछ जो बहस है या ये जो एक फ़लसफियान वाइस हैं ये उस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये इसकी बाकी किरदार से बिल्कुल अलग है मुतजाद है और शायद ये उस तरह से एक बिल्ड नहीं हो सका मुझे ऐसा लगता है नहीं मेरा ख्याल है देखिए जो अदब है या आर्ट की दीगर शक्लें जिसमें अदब बहुत हायर फॉर्म रखता है वो जो दुनिया के बड़े सवाल हैं जिसको हम यूनिवर्सल क्वेश्चन कहते हैं वो उनको डील करते हैं और ये हर अहद में डील होते आए हैं चाहे वो जूनानी अदब हो चाहे रोमियों के यहाँ कुछ जो सूरतें हैं या अंग्रेजों के यहाँ लनसा के बाद की सूरते हैं वगैरह वगैरह ये डिस्कस जरूर हुए हैं हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि ये सारा कुछ या तो शायरी की शक्ल में मौजूद था या दास्तानों की शक्ल में मौजूद था और दास्तानों में ये क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं ये सारे के सारे चाहे वो मुकामी अदब हो वारशाह की सूरत में या वो उर्दू अदब हो तो ये सारा कुछ अब उसमें ये जरूर है कि चूंकि हमारे यहाँ फलसफे की रवायत नहीं रही है और फलसफे के लिखने की रवायत भी रही है एक तो है कि वैसे यूरोप के अंदर तो आप यूनान से लेकर और रसल तक आप देख सकते हैं कि फिलॉसफी के स्कूल्स हैं उनकी एक रवायत है और उसको वो किताबों में लिखते हैं हमारे यहाँ नस्ल जो है वो महज 200 साल पुरानी है तो वो उस तरीके से हमारे यहाँ उस चीज़ें तो नहीं है और बाकायदा फलसफे लिखने की रवायत भी नहीं है और फलसफा सब्जेक्ट भी उस तरह से नहीं है अगर ये चीज़ें आई हैं तो वो लिटरेचर के थ्रू आई हैं करेक्टर्स के थ्रू आई हैं कहानियों के थ्रू आई हैं या शायरी के थ्रू आई तो अब ये जो जदीद सवाल थे नावल चूँकि नुमाइंदा है ये ऐसा योनर है जो यूरोप से आया है तो अब इसमें कुछ चीजें तो डिस्कस होनी थी अब राइटर ने यह किया कि एक तरफ तो उसकी दिखा दी कलोनियल इंडिया की सूरत हाल दिखा दी जिसमें मजदूर जिसमें किसान और अलीड क्लास जिसमें गोरे शामिल हैं या नवाब जागीर्दार। और जागीरदार शामिल हैं तो लेकिन अब वो इंटेलेक्चुअल जो सूरत थी उसको कैसे दिखाए हुँ. तो अब इसके लिए जो है आप देखेंगे कि वो जो है अपना डिप्टी नजीर जैसा पहला नॉवल निगार भी वो करेक्टर्स की आपस में बहस करवाता है चाहे वह वक्त की हो हुँ. इसी तरीके से हैदर भी करेक्टर्स की दानिशराना मुबाद करवाती है आपस में सेम अच्छा अब जो नईम है वो चालीस साल की उम्र के बाद जब वो अमलीत पसंदी से निकल कर एक खास मैच्योरिटी पर चला जाता है तो उसकी अपनी कंटम्परेशन जो है वो एक डेवलप हो जाती है तो अब उसको उसने इस तरह से जस्टिफाई किया कि उस पर फारिज का अटैक हुआ है वो चार पैसे हिल भी नहीं सकता है तो वो जाता है डॉक्टर डौ, अंसारी के पास डॉक्टर अंसारी जो है उसको मज़हब की तोजी पेश करता है कि मज़हब जो है ये ज़रूरी है ये एक बड़ी ताकत है और ये जो है आप ए, हम ए, इसका जो इसको कबूल करना ज़रूरी है वगैरह वगैरह और उसके वो अज़्रा को कहता है कि इसको अब ये अकेला रहने दो और सोचने दो ये सोच ही जो है इसको इस बीमारी से निकाले क्योंकि हमें एक अजीम मावराई ताकत के साथ अटैच होना वो नागजीर है और वही हमारी एनर्जी का बायस बनता है अब ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मजहब के हक हाँ में खुदा के हक हाँ में उसके बाद जब वो एक एक पार्लियामेंट्री कमीशन का हिस्सा बनता है तो फिर ये एक ब्यूरोक्रेट के साथ इसकी दोस्ती होती है रहमान के साथ वो मुतशक्क है और एथियस्ट है और वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इंसान ने जो खुदा और मज़ब पैदा किए हैं ये अपनी मसाले के लिए पैदा किए क्योंकि वो कहता है कि इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल है तराशी हक बहुत मुश्किल अमल है और कहता है कि हती कि ये फसलें काटने और बच्चा जनने से भी मुश्किल अमल है तो इंसान ये मुश्किल काम नहीं कर सकता है लिहाजा जरूरी है कि वो किसी आसानी की तलाश पे जाए लिहाजा वो अकल को लॉक करता है और अपने इतमान की पोजिशन में चला जाता है और वो खुश रहता है तो वो कहता है कि इसलिए हमने खुदा जो है ये हमने खुद अपनी आसानियों के लिए अपनी सेल पसंदी के लिए डेवलप किया है एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर इन दोनों की कश्मकश से वो खुद बनाता है नहीं वो कहता है कि अगर मजहब बतौर इदारा हम डिस्कस ना करें उसको एक साइड पे कर दें कि वो इदारे की सूरत मौजूद है उस इदारे के तर्जमान उस उसारे के कुछ और रसूलोत है कोई उसकी इबादतों का तरीका है कोई उसकी मस्जिद है वगैरह वगैरह पूरा एक, एक सिस्टम है तो ये इस पैराडाइम से अगर हम हटके देखें तो कहते हैं कि मेरे नज़दीक हकीकत मुतलका से हम महंगी की तलाश का जो जज्बा है ये बुनियादी तौर पर एक आलमगीर मोहब्बत कीमत है और वो इसके ऊपर जो है वो रलाई करता है और वो अकलीत को छोड़ता है और अपने कर्मा और मुक्ति के चक्कर में फिर वो वो जो आपने कहा कि वो फिर अपने आप को एक बहाव में छोड़ देता है।, है और आखिर में यही होता है कि वो जहाँ तो पाकिस्तान की तरफ राय हजूम उसको धकेल रहा है और वो मुसलसल वहां पर वो बोल रहा है कुछ फलसफिया चीजें बोल रहा है और वहीं उसको गोली शोली लगती है अब वो ये है कि इसको अगर हम बतौर आरामद लेते हैं तो वो जो करेक्टर है नैम उसका मरना दरअसल जो है इंसानियत का मरना है खैर शर के मारत और इकदार का मरना है और एक ऐसी तहजीब का मरना है जो अला तर इंसानी आदर्शों के साथ खड़े होते हैं तो इसको आप बतौरामद भी ले सकते हैं तो एक इस तरीके से तो ये जो मुबाइस सारी की सारी आखिर में उन्होंने चलाई है मेरा में वो ये होता है कि जो नौजवान जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो उस मुबाइस से वो वो क्या कहते हैं बोर हो जाते हैं क्योंकि पीछे एक पूरी स्टोरी चल रही है और फिर आगे, आगे ये मोबाइल शुरू हो जाए इसका मतलब ये है कि उसका पहला जो किरदार जो कि एक एक्टिव एक एक रोल था अमली जिंदगी में बहुत ज्यादा एक्टिव था तो जहाँ उसकी अब फिक्री और फलसफाना पहलू कमी थी वो उन्होंने आखिरी वाले हिस्से में अब्दुल्ला हुसैन साहब ने वो पूरी करने की कोशिश की है इन मोबाइस के जरिए से कि वो उसको एक फिक्री शख्स के तौर पर भी उजागर कर सही उसमें मैं अब ये देखता कि एक हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है कि हमारे यहाँ तारीख भी बहुत देर से लिखी गई है इन इस सेंस में कि जिस तरीके से यूरोप ने तारीख लिखी है बाकायदा और बड़े बड़े हिस्टोरियंस पैदा किए हैं और पूरी दुनिया की तारीख लिखी है हमारे यहाँ तारीख बाकायदा लिखी नहीं गई। तारीख की जो इब्तई शक्लें हमारे यहाँ नजर आती हैं वो या तो वो है जो बादशाहों ने लिखवाई की सूरत में या ये शिमली नुमानी वगैरह ने लिखी और उसमें भी शख्सियत हावी है या हज़रतमर की है या सीरत की है या मामून की है वगैरह वगैरह बाकायदा जिसको तारीख कहते हैं एक साइंसी असूलों पर वो हमारे यहाँ नहीं आई लिहाजा उसका फै लिहाजा हम पर दास्तानों का मिथ्स का आ, आ, मावराई किस्सों का हम पे आज भी हमारी लाशोर पर और शोर पर असर है बहुत शदीद तो मेरा ख़्याल मैं ये समझता हूँ कि जब नावल और अफसाना आया तो हमारे क्रिएटिव राइटर ने नसर में क्रिएटिव नसर में गोया उस कमी को पूरा करने की कोशिश की लिहाजा आप देखेंगे कि क़ुतुल्हैन हैदर जो है वो भी सारी तारीख डिस्कस कर रही है अब्दुल्ला हुसैन भी सारा डि, वही डिस्कस कर रहा है फिर उन्होंने बहुत सीरीस सतह पर बड़े इंसानी सवालों के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान या मिलकर कहें बर के की तहजीबी समाजी सकाफती और तारीखी मिसाइल को डिस्कस करने किया किया उन्होंने अच्छा उसके ये भी हुआ कि उसके फिर पैरल एक और तरह की राइटरशिप भी सामने आई जिन्होंने इसको जो है तस्वरती और रोमांटिक सतह पर डील करने की कोशिश की चाहे वह नसीम हिजाजी है या और इस तरह इस तरह के जो लोग हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तारीख की अदब मौजूदगी के नतीजे में तखलीकी सतह पर एक राइटिंग का अमल है जो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि फैक्ट फिक्शन हिस्ट्री इसका जो ब्लेंड है इसको भी डिस्कस करना जरूरी है वो खैर किसी और महफिल में ये हो सकता है कि ये हमारे यहाँ उ है ठीक है तो फॉरम हम ओपन कर दें सवाल जवाब के लिए एक चीज मैं जिसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है गुदास नस्ले को एक नुमाइंदा पाकिस्तानी नोवेल कहा गया है। इस पैदरा आप बात करें, फिर मैं अच्छा एक तो ये कि अभी आपने तारीख की बात की तो तारीख पर जो है वो कई तरह के नोवेल पहले लिखेंगे लिखे गए हैं खासतौर तो पर अगर हम हुसैन के करीब करीब देख लें तो वो कुरतुलैन हैदर बनती हैं और खास ख़ासतौर कुरतुलैन हैदर के नावलों से बरह जो असरा मुंतकिल हुए हैं जिन पर जिन नावल नगारों पर उन पर अब्दुल्ला हुसैन का नाम जो है वो आता है लेकिन उसमें एक फ़र्क़ है हुसैन ने ख़ुद एक जगह कहा है कि वो लोग जिन्होंने तारीख को भुगता ना हो वो उसके हवाले से उसको रोमेटिसाइज़ कर सकते हैं उसको रुमानवी तौर पर देख सकते हैं लेकिन जिन लोगों ने तारीख का जबर महसूस किया है वो उसे कभी खूबसूरती से पेश नहीं कर सकते शायद उन्होंने बिलवास्ता तौर पर क़ुर हैदर की फ़िक्शन पर जो है कमेंट किया है तो हमें हैदर के यहाँ जो एक रोमांटिकज़म नज़र आता है तारीख़ के हवाले से वो अब्दुल्ला हुसैन के यहाँ नहीं है एक ख़ास रियलिज़म है बिल्कुल ब्राह रास्त है ये उनकी ख़ूबी भी है और कुछ लोग इसको उनकी खामी भी बताते हैं तो ये नुमाइंदा पाकिस्तानी नावल इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख़ का पस मंज़र अगर आपने रियल पिक्चर देखनी है एक असल पिक्चर देखनी है और एक तरक्की पसंद तस्वीर देखनी है तो वो हमें अब्दुल्ला हुसैन के इस नावल में या उदास नस्ल में जो बर रास नज़र आती है फिर ये नुमाइंदा अच्छा फिर ये नसर के हवाले से भी नुमाइंदा है वो इसलिए है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि जैसे क्लासिकी जुबान इवन कि कुरत हैदर के यहाँ भी क्लासिकी जुबान का रचाव मौजूद है जो आम पढ़ने वाला शख्स है वो उनकी ज़ुबान नहीं समझ सकता लेकिन अब्दुल्लु हुसैन की जबान जो है वो सब लोग समझ सकते हैं तो हम उसको इस्लूब के हवाले से भी इसके मौजूद के वाले से भी एक नुमाइंदा नावल जो है पाकिस्तान का कह सकते हैं अच्छा मुझे इसके अंदर पीछे एक और कहानी भी नज़र आती है मतलब क्या आपको पता है जब कुरत हैदर ने आग का लिखा है तो उन्होंने भी सदियाँ यानी कबल मसीह से शुरू किया पहले की सारी तारीख अब उसमें ये किया कि उन्होंने क्या में पाकिस्तान के बाद या तकसीम के बाद के पाकिस्तान के आखिरी तीन साल भी डिस्कस किए और यही वो तीन साल है जिसके ऊपर वो मतूब हुई इन्होंने ये रिस्क नहीं लिया इन्होंने सिर्फ काफला अभी आ रहा है उसकी पाकिस्तान में एंट्री हुई और खत्म कर दिया उनको वही मैंने कुदरत शाह वाला वाक्य भी आपको सुनाया आज में कि उनको फिर जाना पड़ा उधर और उसके खिलाफ एक खास जो जहन है उसने रद्द अमल भी पेश किया मातूब भी करार दिया उनको तो क्या अब, ए, हैदर को थोड़ा साइड लाइन करने के लिए इनको तो नहीं ज्यादा उठा दिया गया कि ये है जबकि इनके ऊपर भी भारी इल्जाम बहुत सारे मौजूद हैं ये एक क्योंकि ज़ाहिर है कि अपना हीरो तराशना तो जरूरी था क्योंकि उन दिनों हम हर चीज अपनी तराश रहे थे ये जनाब जी ए, इस, लफ्ज इस्लामी भी हम लगाते थे इस्लामी खाने हैं ये इस्लामी लिबास है ये इस्लामी जुबान है इस्लामी मुल्क है इस्लामी कल्चर है।, है इस्लामी तारीख है ये इस्लामी वो है तो इस तरह की चीजें होती थी आप इस्लामी डालें तो फिर पाकिस्तानी लगाया जाता था तो शायद इसलिए भी एक अपना हीरो उसको करने के लिए लेकिन अब मैं ये भी देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो थोड़ा सा भी राइट विंग है अदब के अंदर जो है वो कतई दौर पर अब्दुल्ला हुन को उस तरीके से पसंद नहीं करता वैसे अब्दुल्ला हुसैन बोल्ड आदमी थे उन्होंने कहा कि सुना आपके वहां पर जनाब आपकी कोई ब्रांडी वगैरह बेचते थे कहते हैं, आ, मेरी तो अपनी दुकान थी शराब में मैं बेचता था वही मेरा कारोबार भी था उन्होंने ब्रांडी कह दिया तो वो उस इशू को बना के तो उसके साथ जोड़ के तो अपने एक पैरामिड बनाने की कोशिश इस हवाले से की जाती है लेकिन इसके अंदर एक बात बहुत अहम है और वो यही है कि इन्होंने जो तस्वीर कशी की है हिंदुस्तान में साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद की आम आदमी की जद्दोजहद की और किसान और मजदूर की जो हालत पेश की है और उसके मुकाबले में अलीट को जिस तरह से पेश किया है कि जब आलमी जंग में इन्होंने जर्मनों को शिकस्त दी बर्तानिया ने तो उन्होंने उनके अंदर जो एक जिस तरह का एतमाद आ गया कि उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पूरी जो अपना क्लोनलिज्म है उसको उसने इतना जबर उसके अंदर भर दिया कि अब उन्हें दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता तो अभी उनके दिन में ये सेकंड वर्ल्ड वॉर तो थी नहीं कि हिटलर भी सामने आ सकता है और उसके नतीजे में सारा कुछ बर्बाद हो के फिर अमेरिका के झोली में हम सारा कुछ डाल देंगे लेकिन वो जो है अब आप देखिए कि वो जब वो किसानों की एक्सप्लेटेशन की बात करते हैं कि कैसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उसके पैदा करदा नवाब जागीरदार जो हैं वो आम किसान की एक्सप्लेटेशन कैसे करते हैं तो वो एक जगह बताते हैं कि नैन जो है वो अपने बाप के पास जाता है गांव तो वो जो आधी बोरी जो बीज है वो जागीरदार रोशन आगा का मुंशी जो है वो देता है तो ये उसके साथ लेने के लिए जाते हैं तो उस वहां पर जो गुफ्तु होती है वो कितनी खौफनाक है वो मुंशी कहता है कि मैं आधी बोरी बीज आपको दूंगा और इसके बदले में दस बोरियां आपने जींस की मुझे देनी दस बोरिया छह पे तय होता है एक तो ये एक, एकस्परेंटिशन एकस्परेंटिशन देख ले, दूसरा इस्तेस आप देख लीजिए कि कि वो आपने कहा मोटर है जागीरदार ने लिहाजा सारे गांव को पे करना पड़ेगा हुँ, हुँ, मोटराना ठीक है फिर टैक्स अलग है लगान अलग है और इसके पीछे क्या बचता है उसके नतीजे में जबर का ये आलम है कि कोई वो जो जिसको जो पकड़ा गया है वहां कोई नाम नहीं ले सकता उसका हुँ, उसको हुँ, मिल नहीं सकता उसके अपने बच्चे और भाई बारह साल उसको नहीं मिल सकते अंग्रेजी साम्राज्य की जो जबरियत है उसको देखिए तिलक जैसे कांग्रेस के किसी सियासतदान का नाम वहां पर अंग्रेज की मौजूदगी में नहीं लिया जा सकता तो इस जबर का आलम देखिए का। फिर काला पानी की सजाएं और बंदों को गायब कर देना और वगैरह वगैरह ये सारा कुछ एक तो इतनी शानदार वाज और बहुत आर्टिस्टिक जो उन्होंने इसको पिक्चर्स पेश की हैं और उसके अंदर जिस तरह का हीरो डेवलप करके जद्दोजहद वाला आम आदमी जो किसानों के साथ खड़ा है और गुरबत के साथ हमदर्दी रखता है गरीब के साथ उसको पेश करना ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मिसाल है आखिर में सिर्फ दो तीन बातें करना चाहूँगा कि इसमें जुबान के इसके ऊपर बात की गई है देखिए हमारी जो जुबान है वो लखनऊ उर्दू की बात कर रहा हूं वो लखनऊ और दिल्ली की शायरी की जुबान है क्लासिक्स क्लासिक्स की जुबान है उसको कहा जाता है ये कौसरो तस्नीम में दुली हुई जुबान ठीक है, है? इसमें वो जो पब्लिक शायर है ना वहां पे मतलब नज़ीर अकबर आबादी उनको भी वो पोच को कहते हैं किसको तो शायरी करने नहीं आती कैसी जुबान इस्तेमाल करते तो गोया जो महलात में जो जुबान जिसको उर्दू मोल्ला कहा जाता है उसमें जो शायरी की जुबान इस्तेमाल होती है उसी का की तरबियत और उसी को मैार बनाया गया फिर ये हुआ कि जब यह सारा अदब जो है वो पंजाब में शिफ्ट हुआ है जिसमें बेदी कृष्ण गुलाम अब्बास गुलाम अब्बास मंटो इन्होंने जो जुबान इख्तियार की वो कौशल तस्नीम में दुरी हुई नहीं थी ये वो जुबान थी जो गैर उर्दू इलाकों में रहने वालों ने वो उर्दू बनाई जो अहले की नहीं थी जो अहले जुबान नहीं थे या पश्तो बोलते थे पंजाबी बोलते, पुछते थे, पुछते बोलते थे सराकी बोलते थे सिंधी बोलते थे बरूची बोलते थे फिर उन इलाकों की मकामियत उसका जायका मिल के उसमें के अंदर आया इसको रवायत पसंद नहीं करते थे बाद में जब हमारे यहाँ उर्दू अलीट बतौर हमारे यहाँ डेवलप हुई इब्तदाई दहाइयों में पाकिस्तान बनने के बाद तो मैारी उर्दू तो हम बायदा पढ़ाई गई क्या वो पर्चे में सवाल आता था कि जो है वो दिल्ली और लखनऊ वाले इस लफ्स को कैसे बोलते हैं रोजमर्रा जिसको कहा जाता है तो जब वो सही नहीं करता उसके नंबर काटे जाते थे मैं इसमें मैट्रिक में और एफ़ ए में तो ये ज़वानों का जबर जो है इसने भी अमल पैदा किया बलोचों के यहाँ भी सिंधियों के यहाँ भी और पंजाबियों और पश्तूनों के यहाँ भी लेकिन मैं समझता तो हूँ कि यही वो जुबान है जो एक नए अंदाज़ में मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक पाकिस्तान में एक नया इस्लूब और नया एक नसरी लिसानी ढांचा बन के सामने आई और जो एक मॉडल बनी आज आप देख लीजिए कि आज की जो जुबान है जो आलूम में इस्तेमाल होती है या नसर में इस्तेमाल होती है फ़िक्शन के अंदर वो सारी की सारी जुबान जो है वो यहाँ की क्रिएटेड है है वो उर्दू लेकिन वो पंजाबी के करीब तर है लेकिन उसकी अपनी एक इस्थैटिक्स है और वह उस इस्थैटिक्स ने मनवाया है अगर कुदरत हैदर चूँकि वो लखनऊ की रीड क्लास से ताल्लुक़ रखती थी वो ज़ुबान जो इस्तेमाल करती हैं अगर हम आज उस बच्चे किसी भी बच्चे को दे दें तो उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा हत्या कि वो बेचारा फैज़ को पढ़ते हुए उसे डिक्शनरी रखनी पड़ती है तो मेरा ख़्याल है कि इस जो है नई जमालियात की हामिल जो है वो भी अहम है फिर टेक्निक भी इसकी अहम है कि इसमें जो बयानियाँ एक नरेशन रखी गई है वो बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है ये अहम है तो फिर किरदार साजी वगैरह वगैरह तो इसकी फनी सतह पर भी बहुत हैं जिसने को आम बंदे तक ला के इसको पॉपुलर कराने में अहम किरदार अदा किया किसी के या कोई शेयर करना चाहते हैं अपने नावल आपने पढ़ा है तो प्लीज़ तो होगा uh, अच्छा सही साहब आंसर की वैसे आ, एनी आ, के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज़्यादा बंगाल के पस मंजर और बाद में वही पाकिस्तान की तकसीम का बायस बना शायद ये भी हो कि उनको सेकेंड प्रायोरिटी देगी इनका ये था कि वो प्री पार्टीशन और पार्टीशन से ही जो चीज़ों को अलग किया ज़्यादा कवर नहीं किया सिर्फ बंटवारे किया था का। अच्छा मैं वो जो आपने हार्डी का हवाला दिया हार्डी का जो एक तरह का इम्पेक्ट है वो अब्दुल्ला हुसैन के ऊपर कैसे है जैसे आर्डी बताते ख़ुद एक पैसमिस्टिक हैं और उन वक्तों के जो मतलब मार्क्स के डेज और इस तरह की जितनी भी तारीखें थीं एक पैसमिज़म पाया जाता था जिसमें टेस्ट का जो किरदार है वो ऑल द लाइफ जो है वो और उसकी फैमिली और उसका जो अर्निंग पॉइंट था वो भी ख़त्म होता है तो वहाँ हार्डी तो एक पैसमिस्टिक और एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि किस्म की चीज़ें सामने लाता है और स्ट्रगल बताता है और एंडिंग जो है वो एज ए स्पोर्ट्स लेता है जैसे जब एंड होता है टेस्ट का तो वो कहती है कि आई आई किर्ड ए पर्सन हु लव्स मी फॉर ए पर्सन टू होम आई लव और इसी की बिना पर जब उसे सजा होती है तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इम्पॉर्ट प्लेट स्पोर्ट्स विद पर्सन एज बटरफ्लाई तो ये चीज़ें क्या हम अब्दुल्ला हुसैन में या इसने जो भी स्टेज सेट किया है वैसे तो आपने मतलब इस पर बहुत अली बेहतरीन गुफ्तगु की है और ये रोहित ने की तरह का आज काम हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल सेट के तहत एक एक चीज़ को पारता आपने और ये सबसे बेहतरीन आज की जो आपकी इंट्रैक्शन है इससे एक डीप इनसाइट मिला है तो नहیم का और टेस्ट का और स्ट्रगल और ये सारी चीजें हम कहाँ तक इंपैक्ट लेते हैं नहीं आपका इशारा ठीक है जी जी अभी दीज आर टू ऑपोजिट्स उस तरह से नहीं लेकिन मैं इस इससे जो चीज एक तो नोवल निगारी के साथ अटैचमेंट जो वॉलेट को चुके वो हारदीप सन था तो इसलिए ये नोवल निगारी की तरफ गया अवलीन एक, मुताले में उनके टाम्स हाँ, दूसरी बात ये है कि इनके यहाँ बहुत सारे असरात हैं मसलन इनके यहाँ बेजारी का मसला है घर से का मसला है के हैं उन्हाई का जो मसला है तन्हाई का जो मसला है यानी जो कैफियात हैं इस सारी स्ट्रगल के बावजूद वो हीरो जो है इन सारी चीजों से गुजरता है और वो इनके नावलों में बहुत नुमाशेब में आके तो वो बहुत अच्छा, वो चले कभी कभी ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि जो लिखने वाला है वो वैसे ही किरदार बनाए जैसा वो खुद है कभी कभी वो अपने से मुख्तलिफ भी बनाना चाहता है खुद को उसको अलग करना चाहता है अपने किरदारों को, को। हाँ जैसे कि अब्दुल्ल्यासैन ने कोसे पूछा गया कि आपके किरदार बड़े बेजार से और बड़े उदास और सर्द महर नज़र आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ मैं तो खुशबार सा इंसान हूँ तो नाकदीन को ये देखना चाहिए कि मैंने ऐसे किरदार क्यों तख्लीक़ की है जो मेरी ज़ात से मुख्तलिफ हैं ठीक है तो कभी कभी एक जैसे किरदार होते हैं कभी-कभी बिल्कुल -कभी भी, होते हैं। तो उनके ना उन्हें भी और यही होता है ना अब लाश जो है वो कहा किन दुनियाओं के साथ वापसता है हुँ. तो उसमें हमने कहा कि उसकी वाले उसकी वालदा उसका कत्लो खून देखना इस तरह की जो बहुत सारी चीजें अच्छा वो किस तरीके से चीजों को बना रहे और वो फिर जिस, जिन कैफिया को नावलों में जाहिर कर रहा है वो बार बार आती है बार बार आती है लेकिन इनका शूर एक ऐसा है जो उस हीरो को जो इन कैफियात से गुजरता है फिर भी स्ट्रगल में दिखाते हैं जो गरीबों के साथ खड़ा है जो कांग्रेस के साथ खड़ा है हाँ, अच्छा मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जब पार्टीशन के बाद दो बड़े नावल आ गए आग का दरिया और उदास नस्लें और उर्दू नावल का एक मैार सेट हो गया जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी बहुत जल्द ही आज़ादी के बाद तो इसकी लेगेसी क्या है और वो जो इतना अच्छा मैार एक मौके के ऊपर हमारे हाथ आ गया था बाद में वो उतना आगे क्यों नहीं बढ़ा जितना कि इसको आगे जाना चाहिए था शायरी में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे तजर्बात हुए और बहुत मुतन किस्म के शायरी में मिलती है उर्दू नावल जो है वो इतना ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ सका और अगर आप समझते हैं कि बढ़ाए है तो फिर उसमें इसकी लेगेसी किस तरह से आप देखते हैं इसमें मैं ही समझता हूँ डॉक्टर साहब कि उसकी लेगेसी जो है अगली वो बनती है राख राख में आप देखेंगे कि जो टाइम पीरियड उन्होंने लिया जो करैक्टर्स उन्होंने लिए जो सिचुएशन उन्होंने ली वो वही है जो जो क़ुरतन और फिर अब्दुल्ला हुसैन के साथ आती एक तो ये, फिर उससे जो अगली नसल आई वो नस्ल एक तो उस उन मसायल से निकल चुकी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई और पाकिस्तान के अंदर उसकी उनकी अपनी मुसीबतें अपने अलमियतें चाहे वो मार्शल्ला की सूरत में हो चाहे वो अफगान जंग की सूरत में हो चाहे दहशत गर्दी और ब्लास्ट बम ब्लास्टिंग की सूरत में हो या मार्शल्लाओं के की जबरीत ज़, हो इनके अपने मसायल थे वो उसमें उलझ गई और पिछले जो चीज़ें थी जो तकसीम वाली जनरेशन थी वो अपने साथ जो ख्वाब या आलमी लेके आई थी उससे वो कट चुके। फिर ये भी हुआ है कि अगली जो नस्ल है जिसका मैं नुमाइंदा हूँ तारड़ के बाद और या अब्दुल्ला हुसैन के बाद मैं उसका नुमाइंदा हूं अच्छा मेरे जो हम असल नावल लिख रहे हैं वो तारीख से जुड़ रहे हैं लेकिन अब वो तकसीम से पीछे नहीं जाते वो उसके बाद चाहे वो काशिफ काशिफ़ा हो या कुछ और हाँ। तो उन्होंने पिछले तीस चालीस साल का की पोलिटिकल हिस्ट्री ली है भुट्टों को डिस्कस किया है हल्का सा युग को टच किया है अफगान जंग हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिक्सटीज में पैदा हुए लिहाजा वो अफगानिस्तान की जंग के साथ जाते हैं या और इस तरीके से अब ये एक किस्म पे शिफ्ट है फिर एक और बात कि क़ुरतुल्हैन हैदर है या अब्दुल्ला हुसैन है या मुसल हुसैन तारड़ है ये लोग वो हैं जो रशियन नावल से मुतासर थे और रशियन नावल जो है इसके मुतल कहा जाता है कि पूरी दुनिया का की जो लिटररी हिस्ट्री है वो या तो रशियन नावल से पहले की है या बाद की है एक उसको हद फासिल करार देते हैं तो एक तो ये भी सामने रखना चाहिए और दूसरी बात वो अहम है जो आप कह रहे थे कि जिस पे में उस... अच्छा एक सवाल पूछा गया अब्दुल्ला हुसैन साहब से कि आज जो है वो नावल क्यों नहीं अच्छा लिखा जा रहा तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि नावल लिखने के लिए मेहनत की जरूरत होती है और हमारा आज का जो तख्ली है वो मेहनत से जी कतराता है और उनके ख्याल में ये बर के अमूमी मिजाज़ ये है कि वो मेहनत नहीं कर सकते जैसे कि उदास नस्लें जो है उनको पाँच साल लगे उदास नस्लें लिखने में अगर बाकी नावलों की ड्यूरेशन भी देखें तो भी उसमें दो दो तीन तीन, तीन चार चार साल जो है उनको इस पर काम करते हुए लगे तो कहते हैं कि अमूमन क्या होता है कि तखलीकार जो है वो पाँच छः घंटे की मेहनत कर सकता है एक शॉर्ट स्टोरी पे तो वो वही लिख कर वही छपा देता है और जो भी उसको शहरत है या जो भी हो जाए लेकिन नावल के एक तवील क्योंकि एक मरला है तो उसके लिए वो डिवोशन नहीं है लिखने वाले के पास तो ये जवाब इसलिए डॉक्टर इस हाँ इस एक और चीज़ भी देखिए नावल पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है फिर हिस्ट्री के साथ आपको वहाँ की कुछ सोशियोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है आपने अच्छा, मजदूरों की सूरत हाल देखनी हाँ, है या किसानों की देखनी है। सवाल इस सवाल से भी रेलिवेंट है कि आपने तारड़ का नाम लिया तारड़ के बाद

काफ़ी अरसे से बल्कि सालों से ये नाम देखते आ रहे थे और दास नस्ल अखबारों में भी और जगह जगह पे तारफ तो था इसके साथ के एक बड़ा मशहूर नावल है अब्दुल्लु हुसैन का आज ब्लैक होल का शुक्रिया आप दोनों का शुक्रिया के काफ़ी इसके बारे में मालूम हुई क्योंकि अब मैंने खुद पढ़ा नहीं है सर तो काफ़ी इन्जॉय किया मैंने और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था जानना में ये चाह रहा था सर कि डॉक्टर सनोबर ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तारीख पढ़नी हो के जिद के बना कैसे या तरक्की पसंद हवाले से तो ये नावल पढ़ना चाहिए तो सर डॉक्टर साहब एक तो सवाल ये था कि काफ़ी कुछ लेकर आ गया पाकिस्तान की क्रिएशन पे काफ़ी कुछ लेकर आ गया जो मौर्खीन ने भी लिखा है पॉलिटिकल लोगों ने भी तो किस तरह से ये एक डिफरेंट मतलब आप समझती है कि ये इस पर कुछ दिखाया गया है या मतलब हम उससे कोई नतीजा अगज कर सकते हैं पाकिस्तान बनाने के हवाले से जो एक वो था और डॉक्टर साहब आपने सर एंड में एक बात की कि अगर मैं सही समझ पाया हूँ सर कि उस टाइम ये भी एक ज़रूरत थी कि काफ़ी कुछ इस्लामी टच देने की भी ज़रूरत थी तो उस शायद इस हवाले से भी कुछ आपने इशारा किया है तो अगर वो ज़रा एक्सप्लन कर ले सर तो मेहरबानी होगी आप अच्छा अच्छा उसमें एक तो ये इसलिए मैंने कहा कि एक तो जाहिर है कि तकसीम के जो बहुत ही जो बुनियादी वाक़ हैं उसको अब्दुल्ला हुसैन ने अपना मौजू बनाया है फिर दूसरा ये कि ये ये जो तक, ये तारीख जो है ये तकसीम की तारीख जो है वो एक फ़र्द के एंगल से है यानी एक नईम और अज़रा के लेंस से आप उस बड़े लैंडस्केप को देख रहे हैं तो दरअसल इससे ये होगा कि ना सिर्फ़ आप तारीख़ समझेंगे बल्कि उस तारीख़ में जो एक अनफ़रादी शख्स है या जो आम लोग हैं जो मेरे और आप जैसे लोग हैं उन पर क्या बीत रही है वो भी आपको समझने में आसानी होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए ये नावल ज़्यादा अहम है कि ये आपको जो इनफरादी ज़िंदगी या जो आम लोगों की ज़िंदगी है उस पर भी रोशनी डाल देता है फिर एक और वजह यह है कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू

ज़ाहिर है कि मुमलकत खुदादात कहा जाता है और पाकिस्तान का मतलब क्या ला तो उसमें जो आ, यही ए, जो सूरत हाल बनी वो यही थी कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम होगा अब ये हुआ कि जो तहरीकी पाकिस्तान ने मुसलमानों को बुनियाद बनाकर तशखस और मज़हब के तैरबात केमन में जो ये ख़त्ता लिया अब उसमें जागीरदार भी वैसे का वैसे ही था ब्यूरोक्रेट भी वैसे का वही का वही था इस तरीके से जो सरमायादार है वो भी वही ट्रेडर भी वही था तो सारा कुछ स्ट्रक्चर तो वही का वही हमने लिया अब उस स्ट्रक्चर के ऊपर ये हुआ कि हमारे जो तरीके पाकिस्तान के लोग थे उनका वो कहा ये जाता है कि उसमें भी दो किस्म के थे एक ये वो थे जो बाहर से पढ़ के आए थे या जदीद तलेम याफ्ता थे वो उसको ले रहे थे कि हम मज़हब को एक मॉडर्न सेंस में यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अच्छा ये जो है ये मज़बियत जो थी ये दरअसल रैशनल थी जो अकलीत पसंद मज़बियत थी जो आ, यू कह लें कि जदीद इजादात जदीद आलूम के साथ हम आहंग थी और बहुत ज़्यादा ब्रॉडर थी लेकिन हुआ ये कि बाद में आसता आता जब उसी जागीरदार उसी सियासतदान उसी ब्यूरोक्रेट, उसी सरमादार और ट्रेडर की कंटिन्यूटी रही उसको कोई नीचे से चैलेंज नहीं आया तो उसने फिर इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर लिया मजबीयत को और फिर उन्होंने ये कह दिया कि ये जो है उसको फिर जो के, के खास तरह की मलाइत को भी एंट्री दी फिर आपको पता है कि मजहबी जमातें भी उसमें आ गई सियासी जमातें भी आ गई फिर एक पूरा एक कह लें कि एक, एक पैराडाइम जो है वो बना दिया गया और अब वो जिस तरीके से रन कर रहा है खास तौर पे जनरल जिया की इस्लामीज़ेशन के बाद से तौर पे क्योंकि इसके ए, उससे पहले का जो पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तानी जहनीत है आम आदमी की वो और है उसके बाद की बिल्कुल और है तो अब तो वो इतनी नेकड है कि लफ्स टच आपने भी इस्तेमाल किया मैंने भी किया और ये किसने किया था जहाँ से ये चला है वो आप भी जानते हाँ ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवीश डॉक्टर सनूवर आखिरी आपकी बात पर ऐसी थोड़ा सा कमेंट कि ये जो था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला, ही ला ही। ये तो तहरीक के और पाकिस्तान के बाद का एक नारा है और इसे तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मजहबी तबका था उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की थी कि एक ऐसा मुल्क जो हमारी मुखालफत के बावजूद बन गया है तो अब किसी पे किस इस पे हम किस तरह से अपना एक हक़ जमा सकते हैं और अपने मुताब इसको ले चलते हैं तो वो हुआ और उसके बाद जनरल ज़िया के बाद जो है सारी तहरीकें और इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि वो एक तबका जो आप पहले पढ़ा लिखा तबका कह रहे हैं जो बेशक मुसलमान ही था लेकिन एक बड़ा सेकुलर लिबरल था रोशन ख्याल था तो उसको भी काबू करने का काम इन्हीं से लिया गया बहर मैं इस पर नावल पर बात करता हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका और अभी आपने जो आखिर में रशिया किया ना तो मैं थॉमस हार्डी के अलावा भी दरअसल और ये मैंने भी बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे तो बाद में भी सोचते हुए कभी कभी यूँ लगता था जो कि मैंने हकीकत में बाद में वो वारंट पीस पढ़ा कि जैसे वो नज़र आ रहा था कि प्रिंस का उस तरह जंग में जाना उस तरह जख्मी होके आना और घरेलू हालात और नीचे गांव के लोगों के हालात वो सारे किस तरह नज़र आ रहे थे तो उस तरह यानी उसे और जो नफसयाती एक इंसानी रिश्तों का में है खलिश जो उसे हीरो को भी और इस सारे नावल में है वो वो थी कि जो ये अब मुझे नहीं उसका वक्त नहीं मुझे कि वो कब लिखा गया आ, वो जो था इसका सौ साल तन के गैरिया हाँ, गार्शी। का तो वो उस, वो नजर आता है और ये जो कुदरत का है अपना, अपना सॉरी मोहतरमात है हैदर साहिबा का नावल है वो नो डाउट के बहुत बड़ा नावल है और वो खुद भी कुछ क्लेम कर ली कुछ लोगों ने भी कहा कि जी बस इसके बाद तो हर अदब इनके ज़ेर असर रहेगा लेकिन उनका नावल तो मेरा ख़्याल है फ़िफ्टी सिक्स में उन्होंने लिखना शुरू किया फ़िफ्टी एट में लिख लिया और ये कोई बहुत अच्छी बात है कि पहले माशा से वरना लोग कहते हैं कि तो इसने माशाला देख के लिखा लेकिन बहुत खूबी थी कि उनकी वो पच्चीस छब्बीस साल की उम्र में इतनी बड़ी इंसाइट वो दे रही है कि वो अगर इसको नज़र नहीं आ रहा अमीर खान जो था नवाब ऑफ काला बाग कि वो तो बता रही थी कि मुल्क टूटने वाला है माशा भी लगने वाला है और ये हो जाएगा और बांग्लादेश से हमने छुटकारा पाना है लेकिन ये नावल जो है ये उससे बहुत हटके नावल था और इसमें उनका जो फ़लसफा चल रहा था पिछली तारीख के साथ वो मुझे कंपार्टमेंटलाइजेशन सी नज़र आती थी कि वो उनकी पहली अवध और लखनऊ और उनकी सारी मारूजी हालात और वो उनके लाशोर में वो चीज़ें थी तो उस नावल का हिस्सा वो बना दिया साथ उन्होंने ये पाकिस्तान के सारे मौजूदा सियासी हालात बना दिए थे लेकिन इसमें तो फ़लसफे की बुनत बहुत अच्छी कहानी के अंदर है ना और उस हीरो की वो सारी ज़िंदियाँ है उसमें हैं तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हट के भी बहुत है तो आप दोनों का क्या कमेंट है अगर वाकई सिर्फ़ इस बात पर किया जाए कि क्या वाकई ये उनके आग का का इतना असर कहीं इस पर है भी या नहीं है वो आप अपना बताएं और दूसरी ये कि क्या आप कुछ सुनाने के लिए हमें लेके आए हैं कि अगर कोई चंद लाइनें इस नावल में से आप हमें सुना भी सकें हाँ वो डॉक्टर इसमें से वो नज्म वाला जरूर सुनाइएगा मैं बहुत शुक्रिया आपका ये जो आपका दरिया वाला जो इम्पेक्ट है एक तो आ, मेरी जो बहुत पर्सनल मुलाकातें तारक साहब के साथ है तो तारक साहब खुद उनसे बहुत मुतासर है क़ुरत आई मीन वो जिन है वो बंदी <laughs> और लेकिन इनका जो है आपस का यानी अब्दुल्ला हुसैन का और औऱरतन का वो तो उनका जबानी इतना करीब है कि उसके असरात उस तरीके से नहीं है टाइम स्पैन के तो और, और मेरा ख़्याल उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता बहुत वाज है मस इनकी किरदार साजी का फ़र्क है वो जो करैक्टर्स बनाती हैं वो वो बड़े अजमत वाले होते हैं उनके पीछे कोई मिथ्स हैं और वो जो है एक ख़ास तरह के हीरो साज़ी करती हैं ये जो है बड़े बारूदी किस्म के करैक्टर्स बनाते हैं जीते जागते ज़िंदा वो स्वाल्टरन को टच नहीं करती ये स्वाल को के साथ खड़े हुए फिर वो ये है कि उनका जो तस्वर जहाँ है वो बिल्कुल और है इनका तस्वर जहाँ और है वो जो है फलसफे और तहजीब पर उलझी हुई है ये जो है तबकात के अंदर और कल्चर के अंदर है फिर इसी तरीके से वो जो ज़ुबान जिस तरह से वो इस्तेमाल करती है जो शायरी के बहुत करीब है और शहर में लेने वाली है ये वो ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करते शहर में नहीं लेते करते नहीं।, नहीं।, नहीं फिर वो जो इनर को ज़्यादा इस्तेमाल करती है बातल इंसान के बातन को उसकी इनर की स्टोरी ज़्यादा सुनाती है ये इनर की स्टोरी नहीं सुनाते ये बाहर की कैफियात को कैप्चर करते हैं फिर इसी तरीके से जो तस्वुरा इंसान है उनका बिल्कुल और है उनका जो तस्वुरा इंसान है वो बड़ा तस्वुरीत पसंद है मिसाली है आइडियल आइडियल है, आएडियल है। ये जो है ये रियल है हु, हु. फिर ये जो है मटेरियलस्टिक इनकी अप्रोच है उनकी मटेरियलिस्टिक नहीं है बल्कि वो यू कह लें कि उसके पीछे मिथ है उनके पीछे असातीर है, पीछे फिर अगर वो आइडियोलॉजी के साथ नहीं बिखड़ी तो वो एक आइडियोलॉजी की तरफ उसको पुश करती हिंदुस्तान के हवाले से तो इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है ये आपकी बिल्कुल बात सही है। यस हाँ तो ये इशराफियाई अकदार को मतलब उदास में अजरा जहाँ से है ना वहां से हाँ, हाँ। अच्छा मैं नजम सुना देती हूँ जो नईम ने बिल्कुल अपनी आखिरी जो उसका टाइम था उसमें उस छोटी सी उसने नज्म की नंगी शाखों पर परिंदे खुराक की उम्मीद में बैठे हैं और एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं नीचे उनके खुदाओं के कारवां अपनी हमदो सना गाते हुए गुजर रहे हैं पर पेड़ कहाँ हैं मैं दुनिया के चुराहों में भीख मांग भी बैठ कर भीख मांगता हूँ मैं दुनिया के चुराहों में बैठ कर भीख मांगता हूँ और दुनिया में पैगम्बर आना बंद हो चुके हैं अब लोग सिर्फ कहानियाँ सुनाकर चले जाते हैं पर लोग हैं <laughs> तो छोटी सी है लेकिन इसने ए, उसकी जो कशमकश है वो जाहिर होती है हाँ, हाँ। इसको करते हैं हाँ, डॉक्टर आप सबकी आमत का बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब थैंक यू वेरी मच